नमस्ते सभी लोगों को। बहुत 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 स्वागत है आज के सेशन में। आज से जर्नी स्टार्ट हो रही है जिसका हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। लगभग 2 ढाई महीने इंतजार हुआ है, आज से उसकी शुरुआत है। आज जो हम लोग बात करेंगे, आज जैसे मैंने कल एक रिकॉर्डिंग भी डाला था ग्रुप में कि ये नींव है, ये फाउंडेशन है, तो इसको समझने की कोशिश जरूर करिएगा। अगर इसको आप समझ पाए तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो क्लियर होगा। ये मेरा नजरिया है, इस तरीके से मैं इस साइंस को, इन चीजों को देखता हूं और इस तरीके से इनको अपने लाइफ में मैं लेके आता हूं। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मनीष के मौर्या है और मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आप बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं मैं बता दूं, बाई एजुकेशन मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने बीटेक किया है, एमएस किया है बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, और मैंने आईआईएम कलकत्ता से एग्जीक्यूटिव एमबीए भी किया। तो इतना सारा पढ़ाई करने के बाद इस फील्ड में लगभग 14-15 सालों से मैं एक्टिव हूँ। और जब शुरुआत की थी तो कहीं ना कहीं जैसे होता है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, खासकर उनके मन में हमेशा एक ये डाउट रहता है साइंस को लेकर कि ये काम करता है नहीं करता है। तो शुरुआत मेरी भी वैसे हुई, बहुत ज्यादा इन चीजों में मैं बिलीव नहीं करता था और कभी किया भी, किसी के पास गए भी तो उन्होंने कुछ ऐसा किया ऐसा कर लो, उससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ा। तो वो कहीं ना कहीं जो थॉट प्रोसेस था वो और स्ट्रांग होता चला गया कि सब फालतू है, इनका कोई मतलब नहीं है, इन चीजों का कुछ कोई मतलब, इस डायरेक्शन में जाने का मतलब नहीं। लेकिन जीवन में ऐसी परिस्थितियां, ऐसी चीजें आई जहां पे थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया कि क्या होता है अगर लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं। वहां से वो जो जर्नी स्टार्ट हुई, तो शुरू के 1 साल 1.5 साल तो सिर्फ इसमें लग गए कि क्या ये चीज काम करती है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरा हमेशा एक पर्सपेक्टिव रहता है कि ये चीज है भी, एग्जिस्ट भी करती है, काम भी करती है, क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है, क्या इसके पीछे कोई साइंस है। तो वहां से जो वो शुरुआत हुई, फिर मैंने बैक टेस्टिंग करना शुरू किया, डेटा लेके उसके बारे में उस पर काम करना शुरू किया। तो बड़ी सारी चीजें जो है, जैसे मैं जब आपको न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शंस पढ़ाऊंगा और फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप 9 साल पीछे जाइए, अपने लाइफ को एनालाइज करिए, 9 साल का जो साइकिल है उसमें अपने लाइफ को एनालाइज करिए, तो आप देखेंगे कि सारी चीजें एकदम से जो है क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा उस समय ऐसा हुआ था क्योंकि ऐसा था, उस समय अच्छा हुआ क्योंकि ऐसा था, डिफिकल्टीज आई क्योंकि ऐसा, तो उसके आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये आंसर्स मुझे मिलने शुरू हुए तो एक एक्साइटमेंट आई कि अरे इस तरीके से ये चीजें काम कर रही है। फिर वहां से वो जब जर्नी शुरू हुई तो अब आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे वो उस डायरेक्शन में जा रही है जहां पे जितना पढ़ते चले जाओ लगता है कि कम है, उसमें और भी ढूंढ सकते हैं और भी ढूंढ सकते हैं। तो ये जो कोर्स बना, ये कोर्स आप समझ लीजिए कि 14-15 साल का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है मेरा, उस पूरे एक्सपीरियंस का मतलब अगर आप 1,500 बुक्स पढ़ेंगे तब जाके शायद वो एक्सपीरियंस मिले, शायद वो ना भी मिले क्योंकि वो पर्सपेक्टिव उस बुक में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो जो सारा का सारा एक्सपीरियंस है वो देने की कोशिश है। जब मैं शिव शक्ति कोर्स की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ ये बात नहीं करता कि मैं आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा, मैं आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा, मैं आपको वास्तु पढ़ाऊंगा, मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, मैं इसकी बात करता हूँ कि जीवन कैसे जीना है। वीडियो क्लियर नहीं है आप लोगों को? सबको क्लियर है वीडियो, राइट? आप ऐसे करके किशोर जी प्लीज अपना कनेक्शन चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का जो सेशन है, आज हम लोग इस पूरे जर्नी का, इस पूरा ये पूरा ये जो जर्नी है ये जरूरी क्यों है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करने से पहले आज पहला सेशन है, इस मंत्रा के साथ जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग अगर हाथ जोड़ के बैठ सकते हैं और मेरे साथ अगर रिपीट कर सकते हैं तो बिल्कुल रिपीट करिए, ठीक
ठीक है, इस मंत्रा के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे और यहां से फिर जो है आगे मतलब कोर्सेस की बात होगी। चलिए, अगर आप लोग हाथ जोड़ के बैठ सकते हैं तो बैठिए प्लीज। ठीक है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग आज से जिस नॉलेज की जर्नी पे जा रहे हैं, उस जर्नी में ईश्वर हम दोनों लोगों को प्रोटेक्ट करे, हम दोनों लोगों को नर्चर करे, हम दोनों लोग ईमानदारी से अपना जितना एफर्ट है वो सारा एफर्ट लगाए, डिस्प्यूट ना हो और हम दोनों लोग उस पीस को, उस पीस की अवस्था को प्राप्त करें जहां से प्रॉस्पेरिटी, जहां से विजडम मिलना शुरू हो। तो शिव शक्ति, वैदिक विजडम फॉर प्रॉस्परस लिविंग, आज से हमारा सफर यहां से शुरू होता है। दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो पहला कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहले क्लासेस कर रखी हैं उनको इसके बारे में थोड़ा पता होगा। इसको हम लोग और इलाबोरेट करते हैं जब हम लोग क्या कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बाकी की चीजों में जाते हैं। तो एक जो पहला कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म और जो दूसरा कंसेप्ट है वो है थ्योरी ऑफ सिंक्रोनिसिटी। तो इन दो चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये जो इंटायर जर्नी, जो लर्निंग प्रोसेस है वो क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड है, कैसे उसको देखना है, ये तीन चार चीजें हैं जिसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने इसके बारे में सुन रखा है, मुझसे सुन रखा है? आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं तो कर सकते हैं, या यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, आई थिंक दैट विल बी द बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो मैम ने क्या रखा है? ओके रुचि मैम, इसलिए रुचि मैम को बताओ। लतिका मैम, ठीक है, कुछ लोगों ने सुन रखा है, कुछ लोगों ने नहीं सुन रखा है। तो देखिए, एक चीज ये समझिएगा, अगर इस चीज को, इसका जो है ऑकल्ट से कुछ भी लेना देना, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मैं आपसे कहता हूं कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, एंगर नहीं करना चाहिए या डीप बेली ब्रीदिंग करनी चाहिए, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये और किस तरीके से ये काम करता है। देखिए, हम सब लोगों के शरीर के चारों तरफ एक ऑरा है। ठीक है, और वो जो ऑरा है आपने देखा होगा, जैसे जब अगर भगवान की भी फोटो देखी होगी तो उसके पीछे ऐसे गोल सा चक्कर दिखाते हैं, है ना? तो हम सब लोगों के शरीर के चारों तरफ एक ऑरा है, वो जो ऑरा है उस ऑरा को ही हम लोग मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका मैग्नेटिज्म होगा उतनी अच्छी आपकी जिंदगी होगी। अगर आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग है तो आपको ग्रेटर सक्सेस मिलता है, आपके जो भी गोल्स हैं जीवन में आप उनको अचीव करते हैं और आपको मिनिमम या कम रेजिस्टेंस मिलता है। वीकर मैग्नेटिज्म लीड्स टू फेलियर, स्ट्रगल, स्ट्रेसेस एंड सो। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ ना करूं, सिर्फ और सिर्फ इस मैग्नेटिज्म पे काम करूं और अपने मैग्नेटिज्म को अगर मैं स्ट्रांग रखूं, ठीक है, कैसे बनता है, कैसे स्ट्रांग होगा उसकी बात भी हम लोग करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ अगर मैं अपने मैग्नेटिज्म को स्ट्रांग रखूं तो मेरे जीवन में ना वास्तु मुझे परेशान करेगा, ना न्यूमरोलॉजी मुझे परेशान करेगी, ना नाइन प्लैनेट्स मुझे, कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता है। अगर मेरा मैग्नेटिज्म स्ट्रांग है, मुझे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर मेरा मैग्नेटिज्म वीक है तो मुझे फेलियर से कोई नहीं बचा सकता, मुझे डिप्रेशन से कोई नहीं बचा सकता, मुझे स्ट्रगल से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो गोल क्या है जीवन में? गोल जीवन में सिर्फ और सिर्फ मात्र एक ही गोल है,
वो है हमारा मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग हो। अब इसको समझते हैं कि ये बनता कैसे। यहां पे जब आप देख रहे हैं यहां पे अगर आप देखेंगे, ये जो है ये आपका जो पहला चक्रा है ये आपका मूलाधार चक्रा है, यहां से स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार्च। ठीक है, तो ये सेवन चक्रा हमारे बॉडी में है। इनके बारे में और डिटेल में आगे बात करेंगे, इन सब चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिज्म को समझिए। ठीक है, देखिए मैंने आपसे पहले भी जो पहली क्लास थी इंट्रोडक्शन क्लास वहां पे भी कहा था, मे बी अगले क्लास में हम लोग उस वापस से एक स्ट्रक्चर सेट करेंगे। आपका सिर्फ गोल इतना ही होना चाहिए, आपका सिर्फ आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जो जब पढ़ाया जा रहा है बस उसको आप समझते चले जाए। आप देखेंगे कि एक साल के बाद आपको वो सारी चीजें आ जाती। अपने मन से बिल्कुल शंका संदेह सब कुछ निकाल दीजिए, सिर्फ और सिर्फ जब आप क्लास में आइए, प्रेजेंट रहिए, जो पढ़ाया जा रहा है उस पे फोकस करिए, उसको समझिए। अगर नहीं समझ में आता है क्वेश्चन पूछिए। तो यहां से जब क्या होता है हमारे शरीर में, जब हम इनहेल करते हैं तो यहां पे जो एनर्जी है वो एनर्जी उठ के ऊपर जाती है, जब आप एक्सहेल करते हैं यही एनर्जी जो है नीचे आती है। तो इनहेलेशन में ये एनर्जी ऊपर गई, एक्सहेलेशन में ये एनर्जी नीचे आई। तो ये जो ऊपर नीचे जो एनर्जी हो रही है, दिस एनर्जी इज नथिंग बट अन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये इलेक्ट्रिसिटी है हमारे शरीर में, जो हम कहते हैं ना हमारा एनर्जी बॉडी, प्राण बॉडी, प्राणिक ऊर्जा जिसको हम कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो है ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इसीलिए हमारा शरीर एक्टिव है। तो क्या होता है जब आप इनहेल करते हैं, ये ऊर्जा, ये इलेक्ट्रिसिटी ऊपर उठती है और यही इलेक्ट्रिसिटी नीचे जाती है। और किसके थ्रू जाती है, तो ये जो मेरे सेवन चक्रास हैं ये सेवन चक्रास के थ्रू ही जाती है। ठीक है, अब जितने लोग यहाँ साइंस के स्टूडेंट होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो ये मेरी बात मानिए कि जब किसी भी, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सब फ्लो हो रहा है, किसी वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो जब भी उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम ऑरा कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो ये इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रही बार बार ऊपर नीचे जो ये हो रही है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है यही क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और उसी से मेरा ऑरा बनता है। अब जितनी इंटेंसिटी इस इलेक्ट्रिसिटी की होगी, जितना फ्रीली वो फ्लो करेगा, उतना अच्छा ऑरा मेरा, उतना स्ट्रॉन्ग ऑरा बनता चला जाए। वो फ्रीली फ्लो क्यों नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अगर किसी भी चक्रास में, किसी भी चक्रास में, कोई भी चक्रा यहाँ पे जितने दिख रहे हैं, जिसके थ्रू वो पास ऑन हो रहा है, जिसके थ्रू वो फ्लो कर रहा है, अगर मान लीजिए मेरा ये चक्रा ब्लॉक, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी यहां से ऊपर उठी यहीं पे रुक गई। ठीक, इस इलेक्ट्रिसिटी को अब ऊपर जाने का रास्ता नहीं। तो जब ये चक्रा ब्लॉक हो गया तो वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को हिंडर करता है, रोकता है। और जब ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुकना शुरू हो जाता है तो अब इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या कर रहा है, ये सोर्स है मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, ये सोर्स है। अब ये सोर्स कट ऑफ हो गया, अभी भी मेरे शरीर के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बन गया है वो बना हुआ है, लेकिन अब जैसे ही, जैसे मैं कहता हूं ना, अगर आपको गुस्सा आ गया, आपको बहुत अगर गुस्सा आता है, तो जितनी बार आपको गुस्सा आता है उतनी बार आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। वंस इन अ वाइल गुस्सा आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर रोज रोज 15 बार 20 बार गुस्सा आ रहा है तो ये जो हार्ट चक्रा है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अब परमानेंटली ब्लॉक हो गया तो क्या हो गया, सोर्स कट हो गया। अब जो इलेक्ट्रिसिटी, जो निर्बाध जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस फ्लो कर रही है, वो फ्लो रुक गया। अब
जो सोर्स को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और जनरेट होना चाहिए, ये स्ट्रांग होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना बंद हो गया, लेकिन अभी भी है मैग्नेटिज्म, अभी भी जो ऑरा है वो खराब नहीं हुआ, लेकिन गुस्सा तो फिर भी आया जा रहा है। तो जब गुस्सा आप करते हैं तो कहीं ना कहीं से आप एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, है ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप क्या करते हैं गुस्से में, डिप्रेशन में, आप जो है, जो ये आपके चारों तरफ जो ऑरा है ना, इसको ही आप यूटिलाइज करना शुरू करते हैं। मान लीजिए जीवन में लगातार दिक्कतें आती चले जाए, ठीक है, आपने गिव अप नहीं किया तब तक आपके चक्रा बैलेंस, जिस दिन आपने गिव अप कर दिया चक्रा वहीं पे ब्लॉक हो गया, जब चक्रा ब्लॉक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉक हो गई, अब नया जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है, लेकिन आप परेशान तो हैं, आप कॉन्टिन्यूअस सोचे जा रहे हैं, आप कॉन्टिन्यूअस गुस्से में आए जा रहे हैं, तो किस एनर्जी को आप यूटिलाइज करते हैं? जो बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड आपके चारों तरफ है उसको आप यूटिलाइज करते चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी ये इंटेंसिटी, गुस्से की इंटेंसिटी, चाहे आपके परेशान होने की, चाहे आपके स्ट्रेस में आने की जो इंटेंसिटी बढ़ती, जैसे मैं अगर थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस में आऊं नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर लगातार मैं स्ट्रेस में आता चला जाता हूं, तो जब मेरा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया, अब नया इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर रहा, और ये जो स्ट्रेस में मैं आ रहा हूँ, इसकी एनर्जी कहीं से तो आनी चाहिए, कहाँ से आती है? तो जो मेरे चारों तरफ ऑरा है वहां से आती है। अब आपने क्या किया, दो चीजें हो गई, एक तो नया बन नहीं रहा है, और दूसरा जो बना हुआ है उसको भी आपने यूटिलाइज करना शुरू। जो ये ऑरा है आपके चारों तरफ, जो ये पॉजिटिव एनर्जी फील्ड है, ये आपको हाइयर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। जब आप हाइयर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, यूनिवर्स में जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो हाइयर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं, वो आपके जीवन में अट्रैक्ट होती हैं और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सक्सेस मिलता है, आप अपना गोल अचीव कर लेंगे, इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन जब ये ऑरा वीक 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 और डिमिनिश हो गया, अब आपकी जो एनर्जी है वो धीरे 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 बहुत लो हो गई, इस यूनिवर्स में लो फ्रिक्वेंसी पे सारी नेगेटिव चीजें वाइब्रेट करती, ठीक, जब लो फ्रिक्वेंसी पे ये सारी नेगेटिव चीजें वाइब्रेट करती हैं, अभी आपकी फ्रिक्वेंसी लो हो गई, तो वो नेगेटिव चीजें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करने लगे। फिर क्या होगा, फेलियर्स आएंगे, स्ट्रगल आएगा, स्ट्रेस रहेगा, डिप्रेशन आएगा, और कहीं ना कहीं फाइनली सुसाइड वगैरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो गोल क्या है जीवन में, गोल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं अपने मैग्नेटिज्म को प्रोटेक्ट करके चलूं, सिर्फ न्यूमरोलॉजी से, वास्तु से, एस्ट्रोलॉजी से नहीं, लेकिन मेरा जो डे टू डे लाइफ है, मेरा जो एवरी मोमेंट है, क्या उसमें मैं इसको प्रोटेक्ट करके चल रहा हूँ या इसको मैं डिस्ट्रॉय कर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली इन एवरी मोमेंट यू आर राइटिंग योर डेस्टिनी, ठीक है, सबको समझ में आया ये? अगर समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिखेंगे, बिकॉज इट इज वेरी वेरी, देखिए ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये किसी भी ऑकल्ट की क्लास में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ये ऑकल्ट से रिलेटेड जो है ये चीज नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक। अगर ये अगर है सही, यही जैसे कहते हैं ना कि हम किसी, कोई व्यक्ति है उसका नाम भी खराब, नंबर पे आ रहा है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी खराब है, सब कुछ खराब है, लेकिन ही इज स्टिल सक्सेस, क्यों? क्यों कहते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, क्यों कहते हैं कि मेडिटेशन करो, क्यों कहते हैं कि गुस्सा मत करो, क्यों कहते हैं अच्छे से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे सो? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हेल्प यू टू बिल्ड योर। जब आप सुबह बैठ के मेडिटेशन करते हैं, अपने आप से कनेक्ट करते हैं, इन चक्रास को आप बैलेंस करते हैं, जैसे हम लोग जब न्यूमरोलॉजी की क्लास में जाएंगे वहां पे मैं आपको बहुत अलग अलग तरीके के मेडिटेशन भी सिखाने वाला हूँ। हम लोग जो है अभी आई थिंक 1 वीक या 2 वीक में वो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हम लोग ऐड करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में। एवरी क्लास के बाद 10 मिनट से भी कम का समय लगेगा जिसमें हम लोग उस मेडिटेशन को करेंगे रोज, ताकि आप लोगों की वो हैबिट या प्रैक्टिस बिल्ड होनी शुरू हो जाए। न्यूमरोलॉजी की क्लास जब खत्म होगी तो आपको एक चक्रा मेडिटेशन मैं सिखाऊंगा,
जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास में जाएंगे, वहां पे दूसरे फॉर्म ऑफ मेडिटेशन आप सीखेंगे, कैसे अपने डीप सबकॉन्शियस माइंड को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट है, मतलब अब इसको आप सब लोग गांठ बांध लीजिए, आप लोग अब समझ गए इस सफलता का सिद्धांत क्या है, जीवन में सफलता कैसे मिलेगी। कोई इंसान अगर जीवन में सफल है तो वो क्यों है, बिकॉज ही इज वाइब्रेटिंग एट हायर फ्रिक्वेंसी, उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। जितनी भी ये चीजें हैं जो भी ऑकल्ट से रिलेटेड, जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये क्या करते हैं, ये अगर बैलेंस होते हैं तो आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स कम आते हैं, नहीं आते हैं, या आपको पता होता है कि कहाँ पे ऑब्स्टिकल आने वाला है। तो आप क्या करते हैं फिर, जब वो ऑब्स्टिकल्स नहीं आते हैं तो आपकी जो सक्सेस की जर्नी है, अब उसमें कहीं ब्रेक नहीं लगता। तो ये जो मैग्नेटिज्म है, फिर वो मल्टीफोल्ड बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और फिर आप कहीं ना कहीं सक्सेस की अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे आगे बढ़। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि गोल जो है लाइफ में वो यही है कि हम कैसे अपने मैग्नेटिज्म को ग्रेटर और ग्रेटर बनाएं, कैसे उसको स्ट्रांग बनाएं। ठीक है, और देखिए क्या है ना, आप एक चीज ये भी समझिएगा सब लोग, कि जो बड़ा गोल है जीवन में, जो बड़ा गोल है जीवन में वो है मोक्ष पाना। हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी अलग है और लाइफ अलग है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेम लाइफ, उसके दो कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू हैं। हम अगर जो फाइनल गोल है मेरा मोक्ष, लेकिन उस गोल को ऐसा नहीं है कि मैं वो एक लाइफ टाइम में अचीव कर सकता हूं, बिट बाय बिट हम चीजें इकट्ठा करते हैं और धीरे धीरे जो है उस डायरेक्शन में बढ़ते चले जाते हैं। तो गोल, एंड गोल जो है मोक्ष, उसको पाने में भी ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो मदद करेगी, बट ये आपको ड्यूरिंग दिस जर्नी, मे बी आपके 100 जन्मों की जर्नी हो, 1000 जन्मों की, कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, तो उतनी जो लंबी जर्नी है उस जर्नी में ये जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत ठीक है। तो आई होप कि सबको ये क्लियर हो गया, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसके इसको फिर से देखिए, नोट्स जरूर बनाए, नोट्स अगर आप बनाएंगे वो चीजें आपके साथ हमेशा के लिए रह जाए, कहीं बैठे हुए आपने बुक निकाला, आपने पढ़ा, आपको वापस से वो चीज आप कनेक्ट कर, वीडियोस आपके पास रहेंगे, लेकिन वीडियोस में क्या होता है, अब आपको 2 घंटा बैठ के देखना पड़ेगा, आपने नोट्स उठाया, आपने 5 मिनट में उस चीज को रिव्यू कर लिया, तो नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप क्लास में बैठते हैं 2 घंटा आप दे रहे हैं, साथ में लिखते चले जाइए, नोट्स आपको दिए भी जाएंगे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जितना नोट्स मिलना चाहिए उससे ज्यादा आपको नोट्स मिलेगा, लेकिन क्लास में ऐसी बहुत सारी चीजें शेयर कर दी जाती हैं ड्यूरिंग द फ्लो, ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो कि ऐसे इन जनरल नहीं। ठीक, अब देखिए जो ये जर्नी है हमारी लर्निंग की, ये जर्नी जो है ये दो पार्ट में, मतलब ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि इसको मैंने अपनी लर्निंग 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 जर्नी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा, ठीक है, और यही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला, कि एक तो मेरी एनर्जी और एक एनर्जी जो मुझे सराउंड, जो मेरी एनर्जी है ठीक है, जो मुझे सराउंड करती, जिस स्पेस में मैं रहता हूं उसकी एनर्जी कैसी है और मेरी एनर्जी कैसी, अगर ये दोनों तारतम्य में है, अगर ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ सिंक में है तो मेरी लाइफ अच्छी है, अगर नहीं सिंक में है तो कॉन्ट्राडिक्शन रह सकता है। ठीक है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स, ये सब कुछ जो है पंच तत्वों से मिलके ही बना है, तो हमारे शरीर के बाहर भी जो है पंच तत्व है, हमारे शरीर के अंदर भी पंच तत्व है, इन्हीं से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो मेरा
रूट चक्रा है, जो मेरा मूलाधार है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो मेरा स्वाधिष्ठान चक्रा है वो वाटर एलिमेंट को, जो मेरा मणिपुर चक्रा है वो फायर एलिमेंट को, जो मेरा अनाहत चक्रा है वो एयर एलिमेंट को, और जो मेरा थ्रोट चक्रा है वो आकाश स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अगर मैं बाहर देखूं अपने, तो अर्थ है जो कि अर्थ एलिमेंट है, उस पे जो है वाटर बॉडीज है वो वाटर एलिमेंट है, जब उस पे हीट पड़ता है तो जो हीट पड़ा वो क्या कहते हैं फायर एलिमेंट, और उस हीट से जो वाष्प निकला, जो वेपर निकला वो जो है एयर एलिमेंट, और उससे जो क्लाउड बना वो जो क्लाउड बना वो क्लाउड जो है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो उससे जो वेपर निकला वो एयर में गया वो एयर एलिमेंट, और उससे जो क्लाउड बना वेपर से जो क्लाउड बना वो आपका स्पेस एलिमेंट। वास्तु के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो शरीर के बाहर के जो पंच तत्व हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। स्वर्ग ज्ञान के माध्यम से जो हमारे शरीर के अंदर पंच तत्व हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं और उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो मेरे शरीर के अंदर है वही मेरे शरीर के बाहर। जो अपनी एनर्जी हमें फिक्स करनी है, अपनी एनर्जी फिक्स करने के लिए हम लोग मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग, लगभग लगभग 3 से 4 महीने ये कोर्स चलेगा, इतना कंटेंट है हम लोगों के पास। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जिन्होंने पहले से न्यूमरोलॉजी मुझसे सीखी हुई है उनके लिए भी बहुत सारी ऐसी नई चीजें आने वाली हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कुछ रिसर्च किया गया वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला। हो सकता है थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, जो नए लोग हैं फिर उस चीज को पार्क कर देंगे, किनारे रख देंगे, लेकिन जिन जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूमोलॉजी की, हो सकता है जिन्होंने पहले से क्लासेस कर रखी है मुझसे उनके लिए थोड़ा उसको एक्सेप्ट करना इजी हो। ठीक है, तो आप मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, वहां पे वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, कैल्डियन पढ़ेंगे, नोशु ग्रिड, एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मैं सिखाऊंगा आपको वहां पे उसका क्या रिलेशन है न्यूमरोलॉजी के साथ, कैसे वो सॉल्यूशन देना है उसकी बात होगी। उसके बाद हम लोग एस्ट्रोलॉजी का बेसिक पढ़ेंगे जो वास्तु का पार्ट है, और वहां से एस्ट्रो बहुत वास्तु भी सीखेंगे, वो अलग है, वो अलग रहेगा, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अलग कंसेप्ट है वो अलग रहेगा। इसके बाद जो है आप हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद फिर हम लोग अप्लाइड में जाएंगे, यहाँ पे आपके वो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कि ये कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है सारे आंसर्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। और जब भी आप सॉल्यूशन देते हैं तो ये जितनी चीजें आपने अभी पढ़ी इन चीजों को यूटिलाइज करके एक फाइनल सॉल्यूशन देते हैं। जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैं इन चीजों पे काम कर रहा था, जब मैं न्यूमरोलॉजी सीख रहा था और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश, समीर जी इस पे स्क्रिबल मत करिए प्लीज, है ना, देखिए आप लोग ऐसा कुछ मत करिए, अदरवाइज जो फ्लो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर नुकसान आपका है, नुकसान हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब, अब देखिए मैं कहाँ था, मैं खुद ही रुक गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद जब मैं, हाँ, जब मैं रिसर्च कर रहा था, ठीक है, तो एक चीज जब मुझे ये रियलाइज हुआ, जैसे मैं किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढने, अल्टीमेटली डजंट मैटर, जब आप एज अ कंसल्टेंट अगर काम करते हैं न्यूमरोलॉजी के फील्ड में, तो ये क्लाइंट जो है आपके पास आएगा तो उसको नहीं फर्क पड़ता कि आप वैदिक न्यूमरोलॉजी से सॉल्यूशन दे रहे हैं कि आप कैल्डियन से दे रहे हैं, उसको सॉल्यूशन चाहिए। जब मैंने अपने जो रिसर्च किए मैंने उसमें ये पाया कि किसी पर्टिकुलर साइंस का ये एस्पेक्ट बहुत अच्छा है, इस वाले साइंस का ये एस्पेक्ट बहुत अच्छा है, जैसे वैदिक की कुछ चीजें अच्छी हैं, कैल्डियन की कुछ चीजें अच्छी हैं, तो वो जो अच्छी चीजें जिनको हम लेके
एक फाइनल सॉल्यूशन के फॉर्म में उनको डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि ये भी होता है कि अगर आप वैदिक और बाकी की चीजों को मिक्स करेंगे तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी होता है। तो कैसे उस कॉन्ट्राडिक्शन को हम अवॉइड करें और कैसे एक फाइनल सॉल्यूशन के फॉर्म में जाएं, इस कोर्स के माध्यम से, इस कोर्स से आपको वो पता चले। और यहीं पे जैसे मैंने बताया कि चक्रास के बारे में हम लोग यहाँ और डिटेल में बात करेंगे, उसका नंबर्स के साथ, न्यूमरोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, फिर मैं आपको चक्रा मेडिटेशन सिखाता हूँ। क्लास में ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कहा कि सर ये मैं सीख गया और ये मैं अब लोगों को सिखाता हूँ, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो ये छोटी छोटी चीजों से भी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। योर एनर्जी, जो आपकी एनर्जी, जो लर्निंग जो डिवाइड किया गया, उसमें आगे आप पढ़ते हैं मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशंस। मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशंस में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेवल 1 पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अल्फा लेवल में जाना सिखाया जाता है। ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी होती है, क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से विद इन 2 मिनट्स, विद इन 3 मिनट्स मैं इस अल्फा लेवल में चला जाऊं, उसकी बात होती है। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेवल 2, यहाँ पे और डीपर लेवल, थीटा लेवल में जाना, विज्ञानमय कोश में जाना आपको सिखाया जाएगा। और इसके साथ साथ ये ओपोनोपोनो टेक्निक इसलिए रखा गया है कि आप अपने क्लाइंट को जब सॉल्यूशन देते हैं तो उनको ये टेक्निक आप कराएं, ताकि उनके जीवन में जो नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम है, वो दूर हो सके। इसके बाद आपको पंचकोश सिखाऊंगा मैं। पंचकोश क्या होता है, किस तरीके से जो हमारे 5 शरीर हैं वो काम करते हैं, वो उन सारी चीजों की बात होगी। और इसमें जो लास्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे, स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान जब हम लोग अगले कोर क्लास में मिलेंगे, तो अगले क्लास से हम लोग न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। जब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो वहां पर पूरा का पूरा जो कंटेंट है न्यूमरोलॉजी का वो शेयर किया जाएगा। देखिए फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा, जब कोई नया कोर्स शुरू होगा तो उस नए कोर्स में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, वो पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो 2-3 प्रैक्टिसेस मैं आपको बताऊंगा जो आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ही करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ स्वर विज्ञान के भी 2-3 प्रैक्टिसेस मैं बताऊंगा जिसको आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो इन चीजों को मतलब अब आप ये समझिए कि आप सिर्फ लर्निंग लर्निंग की जर्नी पे नहीं जा रहे, एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे जा रहे। जो भी मैं कहूंगा आपको उसको, आप 1 साल का समय आपने मुझे दिया है, इस 1 साल के समय को फुल्ली यूटिलाइज करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जितनी चीजें, जितने टॉपिक्स हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, उन सारे टॉपिक्स को आप 100% पढ़ के जाएंगे। आपको यहाँ मैंने कहा कि शिव शक्ति अपने आप में कंप्लीट है, तो आपकी जो लर्निंग जर्नी है वो यहाँ पे कंप्लीट होगी, यहाँ पे रुकेगी। जितने मेरे स्टूडेंट हैं न्यूमरोलॉजी के, आप उनसे पूछ सकते हैं, क्लास में बहुत सारे लोग हैं, वो भी अपना फीडबैक दे सकते हैं कि यहाँ से न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद फिर न्यूमरोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीजें, जो भी सॉल्यूशन देना है वो सॉल्यूशन देने में वो कैपेबल हो गए, ठीक है। ये पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे एनर्जी एंड सराउंड्स। यहाँ पे आपको मास्टर ऑफ वास्तु में जो है ये सारी चीजें, बेसिक टू एडवांस वास्तु, एडवांस टू प्रोफेशनल वास्तु, फेंगशुई वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, रत्न एंड धातु ध्याय वास्तु, डाउसिंग एंड ऑरा वास्तु, 2D एंड 3D वास्तु और एस्ट्रोलॉजी। जब आप न्यूमरोलॉजी सीख लेते हैं और जब आप एस्ट्रोलॉजी का यूज करना शुरू करते हैं उसके साथ, तो वो जो कॉम्बिनेशन, वो जो सॉल्यूशन, वो बहुत ही अमेजिंग बन के निकल के आता है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपका काम, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो क्लास में पढ़ाया जाए उसको आप पढ़ते चले जाए। ये विज्ञान एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, मैं इनको कैसे यूटिलाइज करूंगा या करूंगी, ये सारी चीजें आप मुझ पे छोड़ दीजिए। इनको किस तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे, क्लाइंट के साथ आप कैसे बात करेंगे,
किसको किस पर्सपेक्टिव में देखना है, कहाँ पे यूज करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। तो वो सारी चीजें होने वाली हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आगे मत जाइए, पीछे मत, पीछे आप जा सकते, मतलब कोई चीज पढ़ा दी गई उसके क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, 50,000 क्वेश्चन पूछने हैं, बिल्कुल पूछिए। नहीं पढ़ाया गया उसके क्वेश्चन मत पूछिए। जो टॉपिक चल रहा है, जो सब्जेक्ट, जैसे हम लोग न्यूमरोलॉजी शुरू करेंगे, अब न्यूमरोलॉजी पे पूरा फोकस कर दिए, दूसरा कोई विज्ञान एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस माइंडसेट के साथ चलना है कि क्या मैं न्यूमरोलॉजी से ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे पाऊंगा, उस माइंडसेट से चलना है। न्यूमरोलॉजी को उस तरीके से सीखनी है, जब आप उस तरीके से सीख जाएंगे, बाकी की चीजें सीखेंगे, तो क्या है कि एक अच्छा सॉल्यूशन आप दे पाए। कोई और कोर्सेस मत ज्वाइन करिए, जितना आप यहाँ पढ़ने वाले हैं, जितना आपको मिलने वाला है, वो 1 साल से भी ज्यादा का कंटेंट है, बहुत 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 सारी चीजें। अगर आप इन पैरेलल कुछ और भी कोर्सेस करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप यहाँ से वो लेके नहीं जा पाएंगे जिस चीज के लिए आप आए हैं। फिर एक हवा है आधा छोड़, पूरा को धावत, पूरा न पूरा मिले ना आधा पा, तो आप न यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। अभी आप यहाँ आए हैं, 1 साल का समय आपने दिया है, जितनी चीजें मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, वो सारी चीजें हम लोग बहुत इत्मीनान से, जल्दबाजी कोई भी नहीं, अब हम लोग ने क्लास शुरू कर दी है, जल्दबाजी कोई भी नहीं है, इत्मीनान से एक एक करके चीजें पढ़ते चले जाएंगे। फोकस करिए इस चीज पे, अगर 4 जगह आप जाएंगे, हो सकता है कि आप ये भी ना कर पाए, वो भी ना, ठीक है, या अगर आप कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं, सक्षम है, तो आप बिल्कुल करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा सजेशन रहेगा कि फोकस एक जगह पर रहेगी और बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, तो जाना। इसी में जो एनर्जी आपको सराउंड करती है, फेंगशुई न्यूमरोलॉजी, तो फेंगशुई न्यूमरोलॉजी और फेंगशुई वास्तु, ये एक सब्जेक्ट, एज वन सब्जेक्ट इसको हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे फेंगशुई को न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट किया गया, कैसे फेंगशुई को वास्तु से कनेक्ट किया गया, ये सारी चीजें। तो बेसिकली बिल्कुल भी आपके मन में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रह जाएगा, ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट पैकेज, पूरा का पूरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मैं हर तरीके से वो सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है कोर्स कंटेंट है, अब जैसे मैंने बताया, जिस चीज को हम शुरू करेंगे, फिर उसका डिटेल कोर्स कंटेंट उसके पहली क्लास में आपको शेयर की जाएगी, और फिर वहां से आपकी जर्नी उस चीज की स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ सिंक्रोनिसिटी। ये आज के पहले तक ये किसी भी पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं किया गया है, तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन नई है, तो वो लोग भी थोड़ा ध्यान देंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि क्या होता है थ्योरी ऑफ सिंक्रोनिसिटी। तो आपकी जो एनर्जी है, तो आपके बॉडी, मैंने बोला यत पिंडे तत ब्रह्मांड है ना, तो आपकी जो बॉडी की एनर्जी है और जो एनर्जी आपको सराउंड करती है, उसके बीच में तालमेल बैठना, उसके बीच में सिंक्रोनिसिटी बिठा, ठीक है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। आपकी जो एनर्जी है और आपके चारों तरफ की जो एनर्जी है, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, वो दोनों एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इसे कहने का मतलब है कि अगर मैं अपनी एनर्जी की बात करूं, और मान लीजिए मैं नदी में अगर फ्लोट कर रहा हूं, तैर रहा हूं, ठीक है, अब नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है, अगर मैं भी उसी डायरेक्शन में बहना शुरू करूं, तो मैं थोड़े एफर्ट लगाऊंगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लूंगा। अगर अब मैं ऐसा करूं कि नदी जो है इस डायरेक्शन में बह रही है और मैं जो है इस डायरेक्शन में जाऊं, अब क्या होगा, अब ये एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्शन में है। जब ये एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्शन में आ गए, तो ये जो नदी है अब आपको क्या कर रही है, रोक रही है, आपके मूवमेंट को हिंडर कर रही है। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनमें सिंक्रोनिसिटी है, दे बोथ आर ट्राइंग टू अचीव अ सेम गोल, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो वो हिंड्रेंस आ गया, वो जो सिंक्रोनिसिटी है, जो तालमेल है, वो खत्म हो गया।
तो ये जो तालमेल है ये कैसे बिठाया जाए, इसके साइंस को जब हम समझते हैं तो ये सिंक्रोनिसिटी। आप लोग को आप समझ में आया होगा कि सिंक्रोनिसिटी क्या है। द रीजन वी वुड लाइक टू सिंक्रोनाइज दिस एनर्जी सो वी कैन अचीव ग्रेटर मैग्नेटिज्म। तो अब क्या है कि जब ये सिंक्रोनिसिटी मैं एस्टैब्लिश कर लेता हूं तो कोई हिंड्रेंस नहीं है। जब कोई हिंड्रेंस नहीं है तो क्या होता है, मेरा मैग्नेटिज्म और स्ट्रांग होते चला जाता है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। लेकिन अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट करेगा तो ये मुझे हिंडर करेगा, मेरे सक्सेस को हिंडर करेगा, मेरे थॉट प्रोसेस को हिंडर करेगा, और इवेंचुअली क्या होगा, मेरा मैग्नेटिज्म को हिंडर करेगा, मेरे मैग्नेटिज्म को वीक। क्या बोला मैंने आपसे, एंड गोल क्या है, एंड गोल मैग्नेटिज्म है। तो ये जो मैं सिंक्रोनिसिटी अचीव, जैसे हस्बैंड वाइफ है, अगर उनके बीच में आपस में अगर तालमेल नहीं, झगड़ा होते रहता है, तो उस रिलेशन से क्या आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर उनके बीच में अगर आपस में तालमेल है तो वो इन रिलेशन क्या करेगा, हेल्प करेगा आपको प्रॉस्पर करने, वो रिलेशन हेल्प करेगा आपके मैग्नेटिज्म को बढ़ाने में। लेकिन अगर उसमें तालमेल नहीं है तो वो रिलेशन क्या करेगा, आपके मैग्नेटिज्म को और वीक करेगा, और इवेंचुअली कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेस फेलियर उन डायरेक्शन में आगे बढ़े। ठीक है, तो ये जो सिंक्रोनिसिटी हम अचीव अपने जीवन के हर हर डायरेक्शन में, हर क्षेत्र में जो है हम सिंक्रोनिसिटी अचीव करना चाहते हैं, बिकॉज व्हेन वी आर सिंक्रोनस वी आर इन द सेम एनर्जी एंड देन दैट सिंक्रोनिसिटी हेल्प अस टू अचीव द हायर। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिज्म आपका बढ़ेगा ये सिर्फ और सिर्फ आपको मटेरियल सक्सेस नहीं देगा, ये स्पिरिचुअल सक्सेस भी देगा। ठीक है, अभी क्या होता है, देखिए हम लोग वी आर अ कॉमन मैन, हम अगर किसी ऐसी चीजों में बैठते हैं जहां पे ये बताया जाता है कि ये सारी जो मटेरियल चीजें हैं इनका कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, वो जो फाइनल जो गोल है, जो मोक्ष है, अगर आप अगर एक बार आपको वो पता चल गया तो फिर आपके लिए इन मटेरियल चीजों की कोई वैल्यू नहीं। बट वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो आज नहीं आएगी, वो अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे, जैसे एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में देखिए पीएचडी होता है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन। पीएचडी क्या है, पीएचडी इज उसका फुल फॉर्म पता है आप लोगों को, किसी को पता है पीएचडी का फुल फॉर्म, अगर पता है तो चैट बॉक्स में लिखेगा। कोई है यहाँ जिसने पीएचडी कर रखी है किसी भी चीज, डजंट मैटर, अभी भी साउंड ब्रेक हो रहा है क्या, अगर आ रहा अच्छा तो आप बोलिए, ऐसे अच्छा आ रहा है, ठीक ओके सर, ओके। आयुषी जी के आ रहा है, क्या आ रहा उनको है, हम उनको लेटर चेक कर डॉक्टर लेते हैं। ऑफ फिलोसफी, यस अरुणिमा मैम ने बिल्कुल कहा। तो एक समय के बाद जो नॉलेज है, जो ये विज्ञान है, ये सब फिलोसफी बन जाता है। फिलोसफी आप समझ रहे हैं ना, मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, तो जब हम अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अभी ये जो भौतिक ये विज्ञान, ठीक है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड में जो ये विज्ञान है, हम इसको समझने की कोशिश कर, लेकिन जैसे 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 ये और फाइन होता चला जाएगा, रिफाइन होता चला जाएगा, तो फिर इन चीजों का बहुत मतलब नहीं रहेगा। बट अभी क्या है, वो एक प्रोसेस है, अभी आपका मन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मैं आपसे कहूं कि जो मेडिटेशन में जिस स्टेट को आप अचीव करते हैं, अगर उस स्टेट पे आप जाते हैं तो उसमें जो आपको एक आनंद मिलता है वो मे बी फरारी चलाने से ना मिले, तो शायद उसको आप एक्सेप्ट ना करें। क्यों, क्योंकि अभी उस चीज को आप नहीं समझ रहे, आप इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं। देखिए ये जितने भी साइंसेस बने हुए हैं, ये सारे साइंसेस ये हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए, उन्होंने पता क्यों बनाया है? उन्होंने इसीलिए बनाया, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है जीवन की, ये सारा कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो जाए और हम आराम से उस मोक्ष को, उस निर्वाणा को,
उसको अटेन कर सके। तो हम सब लोगों का एंड गोल वही है, हमें पता नहीं है अभी क्यों, क्योंकि अभी हम इस भौतिक इस मटेरियल चीजों में फंसे हुए हैं। जब हम डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की तरफ जाते हैं तो अब सारी चीजें फिलोसफी बन गई। अगर मैं मैथ की भी बात करूं तो मैथ भी फिलोसफी बन गई, मतलब वहां पे एंडलेस पॉसिबिलिटीज अवेलेबल। जब अभी हम क्या है, हम लिमिटेड, तो जैसे जैसे हमारा नॉलेज, और नॉट नेसेसरली कि इसी जीवन में ये हो जाएगा, बहुत ऐसे जन्म लेने पड़ेंगे। जब आप स्वामी विवेकानंद जी, परमहंस योगानंद जी, इनके जब लेवल पे आप पहुंचते हैं, तो जब उन्होंने वो मल्टीपल लाइफ टाइम में वो कर्मा एक्यूमुलेट किया है, वो नॉलेज एक्यूमुलेट किया है, कि जब आप उस जन्म में पहुंचेंगे तो वहां पे आपके लिए ये भौतिक चीजों का मतलब नहीं रह जाएगा, इसको आप बड़ी इजीली एक्सेप्ट कर, ठीक है। तो इसीलिए आज अभी के लिए हमारे, हम लोग कॉमन मैन है, नॉर्मल इंसान है, हमारे लिए जो ये सिंक्रोनिटी को समझना बहुत जरूरी है, ताकि उस जर्नी में हम आगे बढ़ सके, इस लाइफ टाइम में कुछ इकट्ठा करें, और जब इकट्ठा करें तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऐसा ना हो कि गरीबी का जीवन जी, प्रॉस्परस लाइफ रहे, सक्सेसफुल लाइफ रहे। आप ये ना कहें पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करता, और मन में जो है आपकी क्रेविंग चल रही है कि पैसा तो नहीं, ऐसा होना चाहिए कि पैसा है जो सुख सुविधाएं मुझे अपने परिवार को देनी है, अपने आप को देनी है, मैं वो दे पा रहा हूं, लेकिन जो मेरा हायर गोल है उस डायरेक्शन में भी मैं काम। ये दोनों जो पाथ है ना, एग्जैक्टली सेम है। ये जो सारा जो प्रॉब्लम है, ये जो सारी समस्या है, ये इसको ना समझने की वजह से मेडिटेशन हम नहीं कर पाते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो ये भौतिक जगत की चीजें हैं ये अलग डायरेक्शन में है और ये अलग डायरेक्शन। और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी रहेगी, दो अलग अलग बात किस पे जाए, एक कोई अच्छा सा प्रवचन सुन लिया तो लगेगा कि अरे यार मैं कहाँ फंसा हूँ, लेकिन उस प्रवचन को सुनने के बाद आपने वो प्रैक्टिस शुरू भी कर दी, तब भी मन जो है वो यहीं फंसा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो अचीव नहीं किया, वो गोल अचीव नहीं किया। तो अचीवमेंट होगा उसके बाद मोक्ष मिलेगा। अगर आप इसको बाईपास करते हैं तो कभी बाईपास हो नहीं सकते, ठीक है। तो ये फिलॉसफी बन जाती है एक समय के बाद, ये सारा जो नॉलेज है ये फिलॉसफी बन जाएगी, मतलब ये सारा हम पढ़ते चले जा रहे, लगता है कि हाँ जीवन में ये होना चाहिए, जीवन में हमें ऐसे करना है, वास्तु ऐसा होना चाहिए, बट जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे तो लगेगा कि अब ये सब जो है इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो जो एक शून्य है, वो जो एक शिव है, उसका ही मतलब है, लेकिन वो नेचुरली आना पड़ेगा, और उसके नेचुरली आने के लिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं थ्योरी ऑफ सिंक्रोनिसिटी में, इसको हम समझते हैं। देखिए ये बहुत, जो ये कंसेप्ट मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, ये पब्लिक डोमेन में नहीं अवेलेबल है। आज मैं ये पहले, आपका सोचने का तरीका बदलेगा। जब आप इस दुनिया में आए तो दो चीजें थी, ठीक है, एक तो जो आत्मा है, मतलब आप अभी पैदा नहीं हुए हैं इस दुनिया में, उसके पहले दो चीजें एग्जिस्ट करती थी, एक तो आपकी आत्मा जो सोल, क्योंकि कहते हैं ना गीता में लिखा है कि जो आत्मा है वो अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं, तो जो सोल है और उसका जो उससे एसोसिएटेड कर्मा है पास्ट लाइफ का, और उसके पास्ट पास्ट जितने भी लाइफ हमने अब तक उस सोल ने देखे होंगे, वो सारा कर्मा उस सोल के साथ एसोसिएटेड है, तो सोल है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जो घर, जो स्पेस जिसमें मैं पैदा हूं, ठीक है। अगर ये स्पेस, ये घर ना हो तो मेरी उत्पत्ति तो नहीं हो सकती है। तो ये दो चीजें आपके जन्म लेने, आप जब जन्म लेंगे तब डेट की बात होगी, तब समय की बात होगी, तब न्यूमरोलॉजी, तब एस्ट्रोलॉजी, बाकी की चीजें अस्तित्व में आएंगी। अभी आप पैदा नहीं हुए हैं इस धरती पे, तो दो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, घर जहां आप पैदा होने वाले हैं वो घर पहले से, वो स्पेस पहले से है,
आपके माता पिता वहां रहते हैं, ठीक है? तो सोल, उससे एसोसिएटेड पास्ट कर्मा, और हाउस और स्पेस जहां पे आप पैदा हो, ये दो चीजें। और यही दोनों चीजें जो है आपकी डेस्टिनी लिखती हैं। जब आप पैदा होते हैं, आपके जन्म के समय जो आपका भाग्य, जिसे को कहते हैं ना कि हमारा भाग्य तो लिखा हुआ है पहले से, ये जो भाग्य लिखा जाता है वो ये इन दो चीजों से ही डिराइव होके आता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा सोल, जो हमारा पास्ट लाइफ कर्मा है, वो किन चीजों को गवर्न करता है, ठीक है? अब एक चीज ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा पास्ट कर्मा है, हमारे जो भी मल्टीपल लाइफ टाइम, जितनी भी साइकिल हमारी लगी हो बर्थ की, वो जितना भी कर्मा है वो मेरे स्पाइन, हमने अभी, मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो जो सुषुम्ना नाड़ी है मेरी, ठीक है, जो मेरा स्पाइन है, जो मेरी एनर्जी बॉडी, ये मेरी फिजिकल बॉडी और एक एनर्जी बॉडी है, तो जो मेरी एनर्जी बॉडी है उसमें ये पूरा का पूरा पास्ट कर्मा एक्यूमुलेटेड, ठीक है? आज से पहले अगर मैंने 5,000 बर्थ साइकिल देखे तो वो सारा का सारा कर्मा इसी स्पाइन में एक्यूमुलेटेड होता है, और ये साइकिल टू साइकिल, बर्थ साइकिल टू बर्थ साइकिल आपके जीवन में ये आपको इंपैक्ट करता है। यही आपकी डेस्टिनी जो है, यही आपकी डेस्टिनी लिखता है। तो ये क्या डिराइव करता है? ये डिराइव करता है कि आप किस दिन पैदा होंगे, किस डेट पे आप पैदा होंगे, मतलब ये न्यूमरोलॉजी हो गया। आपका पास्ट लाइफ कर्मा डिसाइड करता है कि किस दिन, किस समय और किस जगह पे, किस सिटी में आप पैदा होंगे, ये एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है? इसको भी यहाँ पे पार्क करेंगे, इसको अपने पास रखेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज इसमें समझने वाली, कि जो ये पास्ट लाइफ कर्मा है, ये और समझते हैं, ये आपके स्पाइन में एक्यूमुलेटेड, जब मैं कहता हूं कि अगर आपकी जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, अगर ये अच्छे से फ्लो करेगी, जब ये पास्ट लाइफ कर्मा एक्यूमुलेटेड है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को भी हिंडर करता है, और आपका मैग्नेटिज्म उस तरीके से नहीं बन पाता है जिसकी वजह से आपका भाग्य उदय नहीं हो पाता है। थ्रू एनी प्रैक्टिसेस अगर हम उस इलेक्ट्रिसिटी को फिर भी, इररेस्पेक्टिव ऑफ कितना कर्मा मैंने एक्यूमुलेट किया अपने पास्ट लाइफ से और कितना मेरे स्पाइन में है, अगर मैं इस इलेक्ट्रिसिटी की इंटेंसिटी को बढ़ा पाया, तो जैसे जैसे ये इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे वो कर्मा बर्न होना शुरू होता है। तो जैसे जैसे मेरे वो कर्मा बर्न होने शुरू होंगे, जो उनका नेगेटिव इंपैक्ट मेरे जीवन में है, वो नेगेटिव इंपैक्ट धीरे धीरे दूर होना शुरू होता है, ठीक है? तो इसलिए ये जो मैग्नेटिज्म है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसका इंटेंशनली फ्लो करना, इंटेंस तरीके से फ्लो करना बहुत 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 जरूरी। क्यों? क्योंकि ये आपके मैग्नेटिज्म को बढ़ा रहा है और ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा को बढ़ा रहा है, पास्ट लाइफ कर्मा को नलीफाई कर रहा है, उसको बर्न कर रहा है, उसको इरेज कर रहा है, ठीक है? तो पास्ट, इसीलिए जो मैग्नेटिज्म है इसका स्ट्रांग होना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है? तभी जाके जो है ये पूरा का पूरा विज्ञान है, इसको आप समझिए। हमने ये रेमेडी कर ली, हमने वो रेमेडी कर ली, वो सब आएगा अभी आगे, बट इस इम्पोर्टेंट साइंस को समझिए, कैसे गवर्न कैसे हो रही है चीजें एनर्जी लेवल पे, ठीक है? अब हम बात करते हैं दूसरे चीज की, द हाउस और द स्पेस वेयर यू विल बी बॉर्न। ये दूसरी चीज थी जो प्री एग्जिस्ट करती थी आपके बर्थ से पहले।
अब ये जो पास्ट लाइफ कर्मा क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि आप किस जगह पे पैदा होंगे। ठीक है, मतलब दो चीजें होती, जब हम पैदा होते हैं तो उसी टाइम पे हमारे डीप बेस्ड ऑन माय पास्ट लाइफ कर्मा, उसी टाइम पे मेरे डीप सब कॉन्शियस माइंड में ये पूरा का पूरा जो स्क्रिप्ट है मेरे भाग्य का, मेरे भविष्य का, वो लिख दिया जाता है। जब आप पैदा, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, जब आप पैदा होते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जितने बजे, जितने डेट को, जिस सिटी में, ये जो भी एस्ट्रोलॉजिकल चीजें हैं, जैसे ही आपने पहली सांस ली, उसी टाइम पे पूरा का पूरा जो वो स्क्रिप्ट है वो आपके डीप सबकॉन्शियस माइंड में लिख दिया जाता है आपके भाग्य का। एंड बेस्ड ऑन योर कर्मा फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, वो स्क्रिप्ट डिसाइड होती है, डिफाइन होती है कि इनका भाग्य अच्छा रहेगा, इनका भाग्य उतना अच्छा नहीं रहेगा। और ये एक चीज होगी। दूसरी चीज ये होती है कि जिस घर में आप पैदा होते हैं, जिस स्पेस में आप पैदा होते हैं, ये पूरा का पूरा जो स्क्रिप्ट है, जो लिखा जा रहा है, वो उसको इम्पैक्ट करता है। दो चीजें हो गई। नंबर वन, जो मेरा पास्ट लाइफ कर्मा है वो उन चीजों को इम्पैक्ट कर रहा है, मेरे स्क्रिप्ट को, मेरे भाग्य को इम्पैक्ट कर रहा है, जो मेरे डीप सबकॉन्शियस माइंड में लिखा जा रहा है। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जिस जगह पे, जिस स्पेस में मैं पैदा होता हूँ, जहां पे मुझे, जहां मैंने पहली सांस ली, जहां से मुझे ये एनर्जी मिली, वो जो स्पेस है वो मेरे इस इंटायर स्क्रिप्ट को जो है अफेक्ट करता है। कहने का मतलब है, अगर मेरे घर का वास्तु नहीं अच्छा है तो जो बच्चा पैदा होगा उसका जो भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनेगा वो भी अच्छा नहीं बनेगा। तो दो चीजों ने इम्पैक्ट किया, पास्ट लाइफ कर्मा ने इम्पैक्ट किया। तो पास्ट लाइफ कर्मा कैसे इम्पैक्ट करता है? तो पास्ट लाइफ कर्मा जो है इसको इस चीज से समझते हैं, ठीक है, इसको इस पिक्चर से, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। पहले, प्रायर, प्रायर गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, और बॉर्न भी गलत लिखा हुआ है। प्रायर टू यू आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, आप थे और आपका पास्ट लाइफ कर्मा था और स्पेस था, हाउस था जहां पे आप पैदा होने, ये हो गया, ठीक है। अब व्हेन यू आर बॉर्न, तो जो हमारा ये सोल है, जो हमारा ये पास्ट लाइफ कर्मा है, उसने डिसाइड किया ये स्पेस मेरे लिए। देखिए इस क्या कहते हैं, साइकिल को समझिए, या इस पूरे प्रोसेस को समझिए। तो जो ये सोल है उसका जो पास्ट लाइफ का कर्मा है, उसने डिसाइड किया अगर मेरा पास्ट लाइफ का कर्मा अच्छा है तो मैं जो स्पेस चूज करूंगा वो स्पेस का वास्तु अच्छा होगा। अगर मेरा पास्ट लाइफ कर्मा खराब है तो फिर मैं वो स्पेस चूज करूंगा जिसका वास्तु खराब हो। ठीक, तो पास्ट लाइफ कर्मा ने डिसाइड किया कि मैं कौन से स्पेस में पैदा होऊंगा, और फिर उस स्पेस ने डिसाइड किया कि मेरी जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है मेरे दिमाग में वो कैसी होगी, मेरे डीप सबकॉन्शियस माइंड में जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है वो मेरे डेस्टिनी को ड्राइव करेगी, वो जो डेस्टिनी मेरा बन रहा है वो कैसा बन रहा है और वो कैसे होगा। तो हाउस ने डिसाइड किया कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, आप किस समय पे पैदा होंगे, तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और इस तरीके से बाकी की चीजें फिर इफेक्ट में आई, वास्तु भी इफेक्ट में आई। फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, कि मैं जो पास्ट लाइफ कर्मा है, मैं आत्मा, मेरा जो पास्ट लाइफ कर्मा है उसने ये डिसाइड किया बेस्ड ऑन माय पास्ट लाइफ कर्मा कि मैं किस स्पेस में बॉर्न होऊंगा। वो जो स्पेस मिलता है बेस्ड ऑन इट्स पास्ट लाइफ कर्मा,
अच्छा या खराब दोनों मिल सकता है अगर उसने अच्छे कर्म किए। जैसे हम कहते हैं, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको इस जीवन में अच्छा डेट ऑफ बर्थ मिलता है। जो अच्छा डेट ऑफ बर्थ मिलता है उससे आपका लक फैक्टर इनहेंस होता है, आप लकी पैदा होते हैं, लकी बॉर्न होते हैं। अगर आपका कर्मा अच्छा नहीं है तो आपको जो डेट ऑफ बर्थ मिलती है वो खराब, ताकि आपके लाइफ में दिक्कत चली जा सके। है न्यूमरोलॉजी की, उसकी बात में डिटेल में बात करेंगे, बट ये तो पूरा पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस यही है कि जो पास्ट लाइफ कर्मा है उसने डिसाइड किया, उसने स्पेस चूज किया बेस्ड ऑन अच्छा या खराब। अच्छा कर्मा है अच्छा स्पेस चूज करेगा, खराब कर्मा है खराब स्पेस चूज। और फिर ये स्पेस जो है ये डिसाइड करता है कि आपका न्यूमरोलॉजी कैसा रहेगा, आपका एस्ट्रोलॉजी कैसा रहेगा, आपका वास्तु कैसा रहेगा। सबको समझ में आया ही? अगर समझ में आया तो यस लिखेंगे चैट बॉक्स में। ये जो है पूरा का पूरा विज्ञान है, ये पूरा का पूरा सिंक्रोनिसिटी है, ये पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है। इन चीजों को इस तरीके से, आई थिंक ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया। जिसको नहीं भी समझ में आया होगा, अगर आप जो है इसको फिर से देखेंगे और देख के आप अपने क्वेश्चन अगले क्लास में पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा और आगे लेके चलते, देखिए न्यूमरोलॉजी। तो जैसे कि अब आगे बढ़ेंगे तो हमें अब वो डेट मिल गई, हमें वो टाइम मिल गया, तो हमें न्यूमरोलॉजी के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इस तरीके से वो सारी सारी चीजें जो हैं वो डिफाइन होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो डेट का मतलब क्या हुआ? जब मतलब कैसे जो है अब इस पूरे साइकिल में न्यूमरोलॉजी गवर्न हो रहा है, उसको समझने की कोशिश करते। वी आर बॉर्न ऑन अ सर्टेन डेट विच इज प्री डिफाइंड बेस्ड ऑन अवर प्रीवियस लाइफ कर्म। जैसे मैंने बताया, अगर आपका कर्मा अच्छा है तो आप अच्छे डेट पे पैदा होंगे, अगर आपका कर्मा खराब है तो आप चैलेंजिंग डेट पे पैदा। जब हम न्यूमरोलॉजी की जर्नी शुरू करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से वो चीजें स्टार्ट होंगी। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, ठीक है, अब थोड़ा और डीपर डाइव हो रहा है कि अगर आप एक सर्टेन डेट और टाइम पे पैदा होंगे तो जिस समय आप पैदा होते हैं उन समय प्लैनेट्स, जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, उनका एग्जैक्टली पोजीशन क्या है, एक तरह से अगर उसकी फोटो खींच सके हम, वो जो है उस फोटो के माध्यम से आपका चार्ट बनेगा। ठीक है, जो आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जिसको हम कुंडली कहते हैं, वहां से आपकी जो क्या कहते हैं कि डेस्टिनी डिराइव होती है उस एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से। अगेन वही बात होती है कि अगर आप अच्छी जगह पे अच्छे डेट अच्छे टाइम पे पैदा होते हैं तो आपकी जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है वो अच्छी होती है, अगर आप गलत जगह पे या जो भी वो कॉम्बिनेशन है उस चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन में अगर पैदा होते हैं तो आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है वो खराब होता है। और ये भी आपके पास्ट लाइफ कर्मा से ही डिसाइड होता है। स्पेस स्पेस क्या करता है? पूरा का पूरा जो डेस्टिनी है, जब आप पैदा होते हैं, जब आपने पहली सांस ली उस टाइम पे, वो पूरा का पूरा डेस्टिनी जो है आपके, मतलब एक तरह से ये इम्पैक्ट करता है, ये इम्पैक्ट करता है आपके न्यूमरोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी। तो ये क्या करेगा, यही वो स्पेस, थ्रू स्पेस जहां से आपको वो इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये पूरा का पूरा जो डेस्टिनी है आपका उसको वो इम्पैक्ट करता है। और ये भी कहां से गवर्न हो रहा है? आपके पास्ट लाइफ कर्मा से, कि अगर अच्छा है तो आपको अच्छा स्पेस मिलेगा, अगर अच्छा स्पेस मिला तो फिर आपको अच्छा डेट ऑफ बर्थ मिलता है न्यूमरोलॉजी, अच्छा स्पेस मिला तो आपको फिर एस्ट्रोलॉजिकल भी आपको सारी चीजें अच्छी मिलेंगी और आपकी लाइफ अच्छी। अगर पास्ट लाइफ कर्मा खराब है
तो फिर जो आप स्पेस चूज करेंगे वो भी चैलेंजिंग होगा, उसके तो फिर बाकी जो ड्राइव डिराइव हो रही है वो भी चैलेंजिंग। और ये जो सारा का सारा फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके पर्सपेक्टिव में आता है, तो ये जो सारा का सारा जो भी स्क्रिप्ट है वो हमारे डीप सबकॉन्शियस माइंड में ही लिखा जा रहा। हम क्या करते हैं, यूजिंग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हम उन चीजों को फिजिकल लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एनर्जी लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उससे हम अपने डीप सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो जो स्क्रिप्ट लिखा है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें जरूरी क्यों है, बिकॉज इनका एंड गोल क्या है, जो वो स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसको हम बदले। जब उसको हम बदलते हैं हायर मैग्नेटिज्म हमें मिलता है, पास्ट लाइफ कर्मा बर्न होना शुरू होता है, और हायर मैग्नेटिज्म मिलता है, सक्सेस की पाथ पे हम आगे बढ़े। और जब सक्सेस की पाथ पे आगे बढ़ते हैं फिर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। ठीक है, जब कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि जब हमने ये सारी चीजें फिक्स कर ली, इनके माध्यम से ही कॉन्ट्राडिक्शन आता है। जब हमने ये सारी चीजें फिक्स कर ली, अब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आता है, अब कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेंटेन हो जाता है, और फिर जीवन में सक्सेस, बाकी चीजें, फिर सक्सेस जो है कभी कभी नहीं आए, फिर वो आपकी आदत बन जाएगी, आपको सरप्राइज नहीं करेगी। तो गोल क्या है, गोल यही है, मैंने पहले भी बताया, जो मेरे स्पाइन में पास्ट लाइफ कर्मा एक्यूमुलेटेड है मैं उसको बर्न करूं, और जो मेरे डीप सबकॉन्शियस माइंड में जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है मैं उसको चेंज करूं। जो स्पाइन में जो कर्मा एक्यूमुलेटेड है, अल्टीमेटली अगर मेरा मैग्नेटिज्म बढ़ेगा तो क्या होगा, वो बर्न होना शुरू हो जाएगा, और अगर मैंने अपने स्क्रिप्ट को रीराइट करना शुरू किया तो धीरे धीरे मेरी डेस्टिनी बदलनी शुरू हो जाती है। और कैसे होगा ये, फिर अगर हम बात करें कि न्यूमरोलॉजी कैसे उसमें आपको हेल्प करता है, बाय, तो जब हम किसी का डेट ऑफ बर्थ और किसी का नेम, देखिए ये एकदम ऐसे हायर लेवल पे है, बड़े लेवल पे, जब हम किसी का डेट ऑफ बर्थ और नेम जब आपस में उसको सिंक्रोनाइज करते हैं, ठीक है, उसमें आप कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो क्या होता है, जो ये डिफिकल्टीज आपकी लाइफ में उसके थ्रू आने वाली थी वो आनी खत्म हो जाती, नाउ दे आर इन सिंक, एक साथ नदी में एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूमरोलॉजी हमने यूज किया। ऐसे ही जो एस्ट्रोलॉजी है, हम क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने स्ट्रेंथ देखते हैं, अपने वीकनेसेस देखते हैं। जब आपकी महादशा, जब आपकी अंतरदशा जब आती है, वो जो स्पेसिफिक प्लैनेट जब एक्टिवेट होता है, वो किस हाउस को देख रहा है, किन हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, क्या वो पॉजिटिव देख रहा है, क्या वो नेगेटिव देख रहा है, उन चीजों को समझने की कोशिश। जैसे होता है ना कि समय सही चल रहा है फिर एकदम से समय खराब होना शुरू हो जाता है, तो क्या कहीं वो महादशा की वजह से, क्या उसमें कोई अंतरदशा आई जिसकी वजह से वो प्लैनेट नेगेटिवली कहीं पे पड़ा हुआ है और वो नेगेटिव इम्पैक्ट लाना शुरू कर दिया। हो सकता है आपके भाग्य के घर में वो बैठा हो सकता है आपके जॉब के घर में वो बैठा हो, और जैसे ही वो महादशा या अंतरदशा शुरू हुई, अब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जॉब के घर पे आना शुरू हुआ, आपकी जॉब में दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो वो माइन्यूट लेवल पे जाके फिर उस चीज को समझ के उसकी फिर क्या रेमेडी करनी है, कैसे करनी है, उसको समझ के उसको जब हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो फिर क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी से जो कॉन्ट्रडिक्शन आना था, जो आ रहा है, जो आएगा, उसको हम लोग, इसके बाद हम फिर वास्तु में जाते हैं। वास्तु में जाके हम लोग क्या करते हैं, अपने घर की, जो अगर आप लोगों ने बेसिक वाला कोर्स किया होगा जो फ्री में डाला, फ्री में है यूट्यूब पे, वहां पे कैसे बताया था मैंने कि घर में पॉजिटिव क्लॉकवाइज एनर्जी मूव करनी चाहिए। जब वो क्लॉकवाइज एनर्जी मूव करती है वास्तु पुरुष के सहस्रार चक्रा से, वो मूलाधार चक्रा से वो एनर्जी आती है, और वही एनर्जी फिर आपके मूलाधार से आपके सहस्रार पे जाती है। जब वास्तु के माध्यम से जब आप अपने घर की एनर्जी फिक्स करते हैं, ये एनर्जी अल्टीमेटली आपके मैग्नेटिज्म को बढ़ाने का, जो हाउस है
वो अब आपको पॉजिटिव एनर्जी, वो सोर्स ऑफ एनर्जी बन गया, वो आपको हेल्प करता है, आपके मैग्नेटिज्म को बढ़ाता है, मैग्नेटिज्म बढ़ता है, आपका पास्ट लाइफ कर्मा बर्न होता है, जो एनर्जी है वो निर्बाध फ्लो करती है, जब वो कॉन्टिन्यूअस फ्लो करती है तब जीवन में आपका ओवरऑल मैग्नेटिज्म बढ़ता है और जीवन में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये सारी चीजें करने के बाद, ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद, जैसे मैंने ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि जब हम ये चीजें करते हैं सारा का सारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो एलिमिनेट होता है, जब वो एलिमिनेट होता है हम सक्सेस की जर्नी पे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और यहीं से क्या होता है कि हमारे सारे चक्र अपने आप में शुरू होती है, जो मैग्नेटिज्म, ये एनर्जी जो है ये मूलाधार से उठ के आज्ञा पे जाएगी, फिर आज्ञा से फिर मूलाधार पे, और इस तरीके से जब ये कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है तब जाके आपका ऑरा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। अब इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई कि अब अगर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन रहा भी तो आपको फर्क नहीं पड़ता है, अब आप सक्सेस की जर्नी पे आगे बढ़ गए, अब आपके मन में जो संदेह था, जो वो डाउट था, अब वो बिल्कुल खत्म। और यही चीज फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से ये चीज और एक्सेलरेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर हम क्या करते हैं, हम अपने मनोमय और विज्ञानमय कोश में यूजिंग टेक्निक्स इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जाना शुरू करते हैं। तो हमने ये सारी चीजें करके अपने मैग्नेटिज्म को, अपने इलेक्ट्रिसिटी को तो बढ़ाया ही, लेकिन जब हम अपने, और जब ये चीजें होती हैं आप रिलैक्स होते हैं, जब आप रिलैक्स होते हो आप को अच्छी नींद आती, जब आपको अच्छी नींद आती को एक्सेस करना शुरू करते हैं, और वहां से जितने भी कांटे, जितने भी मतलब वो खराब स्क्रिप्ट है उसको आप रीराइट करना शुरू करते हैं, ठीक है। और फिर ये और एक्सेलरेट कब होता है, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दी हुई टेक्निक्स को यूज करते हैं, उन टेक्निक्स को यूज करके अब आप कॉन्शियस, मतलब आप बैठे बैठे मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश में जा रहे हैं और उसको रीराइट कर, तो बस डे बाई डे, एवरी डे वेन यू सिट इन द मॉर्निंग इन टू मेडिटेशन, वेन यू गो टू दिस विज्ञानमय कोश, वेन यू गो टू दिस मनोमय कोश, रोज अपनी डेस्टिनी आप रीराइट कर रहे हैं, रोज आप उसको जो थोड़ा सा नेगेटिव है उसको आप हटा रहे हैं, उसको पॉजिटिव से रिप्लेस कर रहे हैं, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव से रिप्लेस कर रहे हैं। जब रात को आप सोने जाते हैं अब आपके मन में वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, आप कंफर्टेबल हो गए, आपको अच्छी नींद आती है, आपके अंदर स्ट्रेस नहीं है, परेशानियां नहीं है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है, जब ये सारी चीजें आप करते हैं तो आप डीप सबकॉन्शियस लेवल पे जाते हैं और वहां से आप अपने स्क्रिप्ट को चेंज करना शुरू करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल जिससे आपका जीवन गवर्न होता है, और जो ये साइंसेस हैं ये हमें हेल्प करते हैं इन चीजों से ओवरकम करने के लिए, ताकि मेरा मैग्नेटिज्म स्ट्रांग हो सके, ताकि मेरा पास्ट लाइफ कर्मा बर्न हो सके, ताकि मैं अपने मन में, डीप सबकॉन्शियस माइंड में लिखे हुए स्क्रिप्ट को चेंज कर, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया जिस चीज को मैं पहुंचाने की आप तक कोशिश कर रहा हूं, क्या वो चीज पहुंच रही है आप तक, आप लोग समझ पा रहे हैं उस चीज की इंपॉर्टेंस को। अब ये जो है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, अब पूरा का पूरा जो पर्सपेक्टिव है वो क्लियर हो गया कि न्यूमरोलॉजी को कैसे देखना है, वास्तु को कैसे देखना है, मैं कौन हूं, मेरे सराउंडिंग जो एनर्जी है वो क्या। अब ये जब इस पर्सपेक्टिव में हम उन सारी चीजों को रखेंगे तो अब हमें पता है कि कहाँ से क्या आ रहा है और कहाँ से क्या चाहिए, और अगर मैं कोई रेमेडी करता हूं तो अल्टीमेटली वो मेरे मैग्नेटिज्म को स्ट्रांग कर रहा है या नहीं कर रहा है, या अगर मैं डे टू डे लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं तो मैं ऐसी कौन सी चीजें करता हूं जिससे मेरा मैग्नेटिज्म इम्पैक्ट, या मैं ऐसी कौन सी चीजें करता हूं जिससे मेरा मैग्नेटिज्म आगे बढ़। समझ पाए आप सब लोग ये चीजें? अगर समझ पाए तो यस लिखिए चैट बॉक्स में। समझ पा रहे हैं जो फाउंडेशन मैं डालने की, जो नींव डालने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्या उसको आप समझ पा?
अगर समझ पा रहे तो आप यस लिखेंगे चैट बॉक्स में। पर्सपेक्टिव मिला कि नहीं, वो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, अब इसमें एक लास्ट चीज है जिसको हम लोग आज, जिसकी हम लोग बात करेंगे, उसके बाद वो सेशन एंड करेंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान है, वो किसी ऐसे घर में रह रहा है जिसका वास्तु अच्छा नहीं है, उसकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल है, बड़ी सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, और कहते हैं ना बच्चा पैदा हुआ उनकी तो किस्मत ही बदल गई। अब उसको किस पर्सपेक्टिव में देखेंगे, क्योंकि उस घर का वास्तु अच्छा नहीं है, वो जो व्यक्ति जिनके घर वो बच्चा पैदा हो रहा है मे बी वो भी लकी नहीं है, लेकिन उस तो वो बच्चा उनके घर कैसे चला, है ना, कॉन्ट्रडिक्शन की बात है ये मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि फिर वो बच्चा, वो तो उस स्पेस में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा तो उसका पास्ट लाइफ कर्मा अच्छा था, उसने अच्छे कर्म किए, इसलिए वो इसलिए जो है क्या कहते हैं, जब वो पैदा होगा तो उसका लक फैक्टर अच्छा रहेगा, और जिस जगह पे वो पैदा होगा वो सबकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। तो उस केस में इस चीज को इस तरीके से समझना है कि जो जिस व्यक्ति के घर वो पैदा होने वाला है, हो सकता है कि उनका ना न्यूमरोलॉजी अच्छा हो, ना वास्तु अच्छा हो, कुछ भी ना अच्छा, लेकिन उनका मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग, वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करके चल रहे हैं, मे बी योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, कुछ ऐसी चीजें करके चल रहे हैं जहां पे उनका मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग, जब वो हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो उन्होंने ऐसी सोल अट्रैक्ट की जो हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है किसी विज्ञानमय कोश में, मतलब किसी परलोक, और वहां से जब उन्होंने उस बच्चे को अट्रैक्ट किया, बिकॉज ही इज, देखिए ये सारी चीजें जो है एनर्जी लेवल में कनेक्टेड है, मेरे घर का वास्तु ना अच्छा हो, मेरा न्यूमरोलॉजी ना अच्छा, मेरा कुछ भी ना अच्छा हो, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी ना अच्छा हो, लेकिन अगर मेरा मैग्नेटिज्म स्ट्रांग है तो मुझे ये सारी चीजें परेशान नहीं करें, ये सारी चीजें मुझे परेशान तभी करती हैं जब मेरा मैग्नेटिज्म स्ट्रांग नहीं। तो अगर मैंने अपना मैग्नेटिज्म स्ट्रांग कर रखा है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ मैं जहां रहता हूँ, वो स्पेस कैसा है, मैं कैसा हूं, डजेंट मैटर, आई एम वाइब्रेटिंग एट हायर फ्रिक्वेंसी, एंड बिकॉज ऑफ दैट मे बी उन्होंने जो वो सोल अट्रैक्ट की अपने घर में, वो एक अच्छी सोल अट्रैक्ट करी। अब वो बच्चा, वो लकी पैदा हुआ, जब वो बच्चा लकी पैदा हुआ, अब उसके जीवन में वो सारी चीजें, सारा सुख, सारा वैभव उसको मिलने वाला है। अब वो कहाँ से आएगा, वो उसके माँ बाप ही ला के उसको देंगे, तो उसके भाग्य से फिर इनका भाग्य चलने लगता है, और फिर वो जो एक रिपल इफेक्ट शुरू होता है, फिर वो क्या करता है, फिर वो घर का वास्तु भी चेंज करवा देगा, फादर को कहीं सही जगह पर ले जाके उनका वो नाम वाम भी चेंज, मतलब वो सारी चीजें फिर अपने आप, मतलब वो जहां पे वो जो कॉन्ट्राडिक्शन है फिर वो खत्म होना शुरू। ठीक है, तो ये एक चीज मन में आ सकती है, एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो सकता है कि हमने जो है क्या कहते हैं, ऐसा भी तो देखा है कि मतलब किसी का कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे उनका बच्चा पैदा हुआ बहुत अच्छा हुआ, तो ये एक क्या कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी सिनेरियो है, स्टैंडर्ड सिनेरियो नहीं है, लेकिन इसको कवर करना जरूरी इसलिए था ताकि आपके मन में ये बात कल को आ सकती है कि इस सिचुएशन में फिर क्या। ठीक है, तो ये आज का इंट्रोडक्शन सेशन था, ये एक नींव है, एक ये फाउंडेशन है, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, अब इसी बिल्डिंग ब्लॉक पे ये सारी चीजें, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब वहीं से निकल के आ रहा है। अब एक एक चीज हम लोग पकड़ेंगे, उसको इलैबोरेट करेंगे, उसको समझेंगे, उसके साइंस को समझेंगे, कैसे उससे ब्लेसिंग ले सकते हैं उसको समझेंगे। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये जो चीज है ये क्लियर हो पाई, ये चीज आप लोग समझ पाए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्विकली कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे और फिर सेशन। अगर क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करेंगे, नहीं है तो फिर वी विल एंड द सेशन। और क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही होना चाहिए,
जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में ही हम बात करेंगे। दूसरी एक चीज मुझे ये बोलनी है कि अपने जीवन को अभी छोड़ देंगे, मेरे घर में ये दिक्कत, मेरी ये समस्या, उससे बाहर निकले, बड़ा पर्सपेक्टिव, बड़ा पिक्चर जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझेंगे। जब आप उसको समझ जाएंगे तो उस प्रॉब्लम को आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, खुद से ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्लास में कभी भी ये क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि मेरे बच्चे का ये, मेरा ये, इन चीजों से बाहर निकलना है, हम यहाँ पे बड़ी चीजें सीखने आए। यस दीप्तिमा, राधे राधे सर। राधे राधे सर। सर जैसे कोई जैसे कोई बच्चे में इको प्रोड्यूस हो रही है, नहीं, सही है, बताइए। सर जैसे कोई बच्चा कहीं पे, किसी का बच्चे का कहीं पे जन्म हुआ और वो बच्चा वहां से मूव कर गया, मतलब उन जिस जिस पेरेंट के घर में पैदा हुआ उन्होंने वो किसी और को दे दिया, तो सर वहां पे किस टाइप का काम करेगा कर्मा? मैम देखिए, उन्होंने किसी अगर और को भी दिया है तो जिस जगह पे वो पैदा हुआ है उसकी उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट तो वैसा ही बनेगा, ठीक है। उसको मतलब जो उसने स्पेस चूज किया है वो स्पेस उसने अपने पास्ट लाइफ कर्मा से ही चूज किया है। अब ये हो सकता है कि जब वो बच्चा किसी और घर में चला गया, अगर वो बच्चा लकी है, ठीक है, तो वो भाग्य फिर उनके घर में चला जाएगा। अगर वो बच्चा लकी नहीं है तो वो तो भी वो दुर्भाग्य उनके घर में चला जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए जिनके घर वो पैदा हुआ, अगर वो उनके कर्मा उतने अच्छे नहीं है, अगर उन्होंने किसी बच्चे को किसी और को दे दिया, तो अल्टीमेटली वो जहां जाएगा फिर वो भाग्य या जो भी है वो उसको लेके जाएगा। लेकिन जब वो पैदा होगा तो जिस जगह पे वो पैदा हुआ है, जिस स्पेस में वो पैदा हुआ है, उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर बिल्कुल रहे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, थैंक यू मैम। आशा मैम, राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर हायर फ्रीक्वेंसी जिसे हम कह रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है? वो पॉजिटिव चीजों को हम हायर फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं या देखिए, हायर फ्रिक्वेंसी मतलब मैं खुश हूं, एकदम सिंपल सा है, मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं, ठीक है, मेरा मन शांत है। हायर फ्रिक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि मैं बहुत पॉजिटिव, जैसे आप अगर किसी कोई एक मोटिवेशनल स्पीच सुन लीजिए तो मन में एक ऐसे होता है कि पॉजिटिव जो एक फीलिंग आती है, तो वो हायर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ओके मन में निराशा नहीं है, मन में आशा है, वो हायर फ्रिक्वेंसी। जब हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जाएंगे तो मे भी इसके बारे में और डिटेल में बात होगी, फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसे बनती है, क्या होती है, तो शायद आपको और वो क्लियर होगा। बट हायर फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट अ पॉजिटिव एनर्जी। जैसे किसी से आप मिलते हैं, आपको मिलके बहुत पॉजिटिव, बहुत खुशी होती है, ठीक है, तो वो क्या है कि वो बंदा, वो जो पर्सन है, वो एक हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर। किसी से आप मिलते हैं, कभी कभी आप लगता है अरे यार क्यों इससे मिल लिया, मतलब एकदम मन ही एकदम खराब हो जाता है, उदास हो जाता है, लगता है कि मतलब पूरी एनर्जी ही ड्रेन हो गई, तो वो कैसा है, वो नेगेटिव एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहा है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी उसने उसको भी ड्रेन कर, ठीक। ओके सर। और एक बात, जैसे जो आपने जो अभी थ्योरी समझाई है उसके अकॉर्डिंग आप कह रहे हैं हमें लास्ट बर्थ पर यकीन रखना है, मतलब पिछले जन्म पर हमें यकीन रखना है, तो अगर कोई इसे नहीं मानता है देखिए तो मतलब मान के चलना है। जितने भी साइंसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सारे साइंसेस जो है हिंदू धर्म से ही मतलब निकले हुए हैं ना, सारी ये जो भी हमारे टेक्स्ट टेक्स्ट हैं उन सारे टेक्स्ट से ही निकले हुए हैं। तो अब हिंदू धर्म में तो पुनर्जन्म की बात होती ही होती है, ठीक है, मोक्ष की बात होती ही होती है, तो ये सारा उसी से कनेक्टेड है। डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन की अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफी है, ठीक है, सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम है। नॉट नेसेसरली मैं जो कह रहा हूँ सबको वो मानने की जरूरत है, बट ये मेरा थॉट, जब मैं अपने अपने इन टेक्स्ट को समझता हूँ तो उनके हिसाब से मुझे ये समझ में आया कि इस तरीके से ये चीजें कनेक्टेड। ये मतलब मेरा पर्सपेक्टिव है, ये आपको किसी बुक में ऐसा लिखा नहीं मिलेगा कि आप हैं तो आपसे स्पेस मिला स्पेस से, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इस तरीके से मैं सोचता हूँ और यही मैं आपके साथ शेयर करता जी सर, बिल्कुल। थैंक यू। हूँ। थैंक यू मैम। ज्योत्सना मैम।
सर जो ये चक्रास होते हैं ये हमारे हेल्थ को भी मतलब सही रखते हैं, या जो जैसे अंदर जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो एंजाइटी होती है, उसी पे ये लोग मतलब ये सब काम करते हैं। मैम, अगर आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग रहेगा तो आपको हेल्थ जी प्रॉब्लम्स, ठीक है, आपका पूरा काबू। मैं अगले सेशन में आप लोगों को एक ब्रीदिंग टेक्निक बताऊंगा जिसको आपको सबको करना है, मॉर्निंग रिचुअल्स बताऊंगा वो करना है। जब आप हायर मैग्नेटिज्म पे वाइब्रेट कर रहे हैं, आपका पूरा का पूरा शरीर जो है वो पॉजिटिव है, तो शरीर में फिर रोग विकार भी नहीं है। रोग विकार कब आते हैं? जब हमारी ये एनर्जी हिंडर हो गई, जब हम स्ट्रेस में चले गए, सोचने लगे बहुत ज्यादा, उस डायरेक्शन में जब जाते हैं तब ये नेगेटिव चीजें आपको इम्पैक्ट। ओके मतलब ये ठीक जो मैग्नेटिज्म है ये हर चीज से कनेक्टेड है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अल्टीमेटली यही भगवान है। हम कहते हैं ना हमारे शरीर के अंदर भगवान है, तो भगवान यही है, ऊर्जा के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में यही भगवान। ठीक अच्छा है, यस, थैंक ठीक, यू मैम। थैंक यू तनुजा जी, गुड सर। इवनिंग मैम। सर मेरे दो क्वेश्चंस थे। एक तो जो हमारे पास्ट लाइफ कर्मास को लेके जो हमारे स्पाइन में सब एक्यूमुलेट होता रहता है, तो वो हमारे बर्थ टू बर्थ कैरी ऑन होता चला जाएगा और वो बढ़ेगा, तो जितना ओल्ड सोल है उतना ज्यादा हमारा ये इसमें रहेगा, या फिर हमारे कर्मास कैसे हैं वो उस चीज को इफेक्ट करेंगे। देखिए, कर्मा जो नेगेटिव कर्माज हैं वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ पॉजिटिव कर्मा भी तो कर रहे हैं, आप अपने कर्मा बर्न भी कर रहे हैं, जो नेगेटिव कर्मा है उनको आप बैलेंस भी कर रहे हैं। वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो वो बर्न हो रहे हैं, वो खत्म होते चले जा रहे हैं। अल्टीमेटली हमें मोक्ष कब मिलता है? जब हमारा सारा हिसाब किताब सब जीरो हो जाए, तभी हम उस मोक्ष की डायरेक्शन में जाते हैं, है ना। तो जब तक ये कर्मा, उसमें हम कर्मा की साइकिल में हम फंसे रहेंगे, तब तक ये एक्यूमुलेशन चलता रहेगा। थोड़ा नेगेटिव इकट्ठा हुआ, फिर हमने पॉजिटिव किया, थोड़ा बर्न हुआ, इस तरीके से वो बैलेंस इनबैलेंस चलता रहेगा, और ये लाइफ टू लाइफ ट्रांसफर होता चला। और अगर जो हमारे स्पाइन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हैं तो वो भी इसी कारण हमें आएंगे। उससे उसको नहीं देखना है, ठीक है, उससे उस कर्मा के हिसाब से नहीं देखना है, क्योंकि वो अलग कंसेप्ट हो गया। वो स्पाइन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, यस, वो कहीं ना कहीं आपके मैग्नेटिज्म से ही सब कुछ ड्रिवन है, गवर्न है, लेकिन कर्मा का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा बड़ा कंसेप्ट, उसको हेल्थ इश्यू से रिलेट नहीं करना। अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हम वो चीजों को बैलेंस करने में हेल्प कर सकते हैं यस हमें। यस, मैं ओके और सिखाऊंगा, सर मेडिटेशन वगैरह दूसरा, सिखाऊंगा। जी, और दूसरा सर ये है कि जो अभी चाइल्ड बर्थ को लेके हमने डिस्कस किया कि वो कहाँ पे किस जगह पे पैदा होगा, कौन सा हाउस है या पेरेंट्स हैं, वो हमारे कर्माज हमको ये करेगा और जिस जगह पे हम करें वो हमें इफेक्ट करेगा। तो बेसिकली पहले तो घर में बच्चे पैदा होते थे तो पर्टिकुलर हाउस टू हाउस उसका एक ऑरा रहता होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हम मोस्टली सब हॉस्पिटल में पैदा होते हैं या एक ही जगह पे होंगे या सिजेरियन से हैं, या तो क्या वो सारी जगह की वो चीजें और वो जो प्रोसीजर्स हैं वो भी क्या इफेक्ट करेगा उनको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि ये क्वेश्चन आना चाहिए था, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब है कि आप सुन रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो हम हॉस्पिटल में पैदा होते हैं उसका इम्पैक्ट नहीं होता। जो हाउस, जो मेरा घर है जहां पे ये पूरी की पूरी प्रेगनेंसी चली गई, ठीक है, उसका इम्पैक्ट जो है बच्चे के उस पर पड़ता है। जिस स्पेस में, मतलब अल्टीमेटली वो स्पेस जहां पे हम बॉर्न हो रहे हैं, वो स्पेस कैसा है? वो मोमेंटरली स्पेस है, बट एक्चुअल जो स्पेस जिसको मैं एक्वायर करने वाला, वो मेरा घर है ना। थैंक थैंक यू सो मच सर। यू। एक तो थोड़ा सब लोग मुस्कुराएंगे पहले, सब लोग ऐसे एकदम थके हुए, उदास ऐसे बैठे हुए हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा इतना दुखी होने की बात, जो बताए, जो बातें मैं बता रहा हूँ वो दुखी होने की बातें थोड़ी है ना। थोड़ा सा ऐसा रिलैक्स रहेंगे, जब आप रिलैक्स रहेंगे तब ये इंफॉर्मेशन आप आराम से जो है इजिली वो कर पाएंगे। अगर नहीं भी समझ में आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग इसके बारे में फिर से बात करेंगे, बार बार बात करेंगे, ये चीजें रिपीट होती रहेंगी, वीडियोस मिलेंगे आपको, उसको देखिए। मतलब परेशान नहीं होना है, रिलैक्स रहना है आराम से, तब जाके ये सारा
ओपन करिए, सारे चक्रास ओपन करिए, रिलैक्स रहिए, ठीक है, तब ये अपने आप धीरे धीरे जाना शुरू होगा। नितिन जी, हेलो सर। हेलो नितिन जी, मेरा क्वेश्चन बहुत अजीब सा ही है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा व्हाट आई एम आस्किंग राइट नाउ। कि ओके हम लोग रेमेडीज कर रहे हैं, वी आर डूइंग न्यूमरोलॉजी से करेक्शन हम कर रहे हैं, बट डज इट चेंजिंग द कुंडली? मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने सारी रेमेडीज की, सारा सब कुछ मैंने ठीक किया एस्ट्रोलॉजी, और मुझे फिर भी कोई दिक्कत आ रही है एंड आई एम गोइंग टू एन एस्ट्रोलॉजर, ही विल सी माय कुंडली, तो वो तो ये बोलेगा तुम्हारे साथ ये होना चाहिए, बट क्योंकि मैंने रेमेडीज से ये कुछ कुछ ना कुछ तो चेंज किया ही है, तो ऑल सो डजेंट इट कंफ्यूज एस्ट्रोलॉजर और डजेंट इज गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन? और डूइंग रेमेडीज, इज इट मेंशन इन अवर कुंडली कि वी हैव टू डू रेमेडीज, कि ये बंदा किसी टाइम पे जाके कोई ना कोई रेमेडी करेगा, इसकी वजह से इसका ठीक हो जाएगा, क्या ये भी कुंडली में लिखा होगा? आई एम नॉट नो डज देखिए, इट मेक सेंस और नॉट, नहीं, मुझे अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा आगे का क्वेश्चन है, ठीक है, बट मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेता हूँ, बहुत डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन कैसा होता है ना, जिस स्पेस में अगर आप नहीं बात कर रहे तो आप म्यूट पे रहेंगे प्लीज, है ना। तो कहने का मतलब है कि जिस स्पेस में हम पैदा होते हैं, अगर उस स्पेस से अगर आप मैच करेंगे अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को, तो आप देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में आपका किचन है उसके हिसाब से वो मंगल वहां पे प्लेस हो गया, और उस तरीके से वो चीजें पूरा मैच कर जाएगी, ठीक है। तो अगर स्पेस ने मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को अगर इंपैक्ट किया, तो अगर मैं अपने स्पेस को चेंज करूं, क्यों, क्योंकि ये जो चार्ट बना वो स्पेस से बना, तो अगर मैं अपने स्पेस को चेंज करूं, अगर अपने स्पेस को फिक्स करूं, तो ये चार्ट में जो ये बैठे हुए इनका इंपैक्ट खत्म हो जाए, ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी है प्री रिटर्न, रिटर्न है, जैसा है वो ऐसा है, लेकिन जब हम उस चीज को बदलते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम वास्तु की रेमेडी करते हैं, वास्तु से अपने घर को सही करते हैं, तो जो उन प्लैनेट्स का नेगेटिव इम्पैक्ट है वो खत्म होता है। जब मेरी दशा, महादशा, अंतरदशा आती है, जब मैं उन प्लैनेट्स की रेमेडी करता हूं, तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आने वाले हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो मतलब अगर स्पेस ने ये डिराइव किया, ये गवर्न किया कि मेरा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कैसा बनेगा, तो अगर मैं उस स्पेस को ही बदल दूं, तो वो जो मतलब क्या होता है कि आप पैदा हो गए, अब उसी घर में आप रह रहे हैं, ठीक है, और अगर वो डिफिकल्ट हाउस है तो आपको डिफिकल्ट चार्ट भी मिला, अब आपकी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज आ गई, लेकिन जैसे ही आप स्पेस को चेंज करते हैं, अब उस चार्ट में उतनी पावर नहीं रहेगी, जिसके माध्यम से वो आपको परेशान करने वाला था, उस माध्यम को ही आपने खत्म कर दिया। स्पेस ने आपके चार्ट को गवर्न किया, तो अगर हम स्पेस को फिक्स करेंगे, तो चार्ट में जो इम्पैक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन मैंने जो आज बात की, वो मैंने उससे भी ऊपर की बात की कि इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस, अगर मैंने अपना मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग किया, अगर मैं हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूं, तो फिर मुझे कुछ भी इम्पैक्ट, ठीक है। ये दोनों चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसको आप और अच्छे से समझ से जाएंगे, बट आई होप कि मैंने एक नटशेल में आपके क्वेश्चन का जो आंसर दिया आपको मिला हो, ठीक है। थैंक यू सर। आयुषी मैम, गुड नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर। सर इवनिंग मैम। मेरा ये क्वेश्चन था कि आज आप कर्मा के बारे में बता रहे हैं, पास्ट ऑफ कर्मा के बारे में, इसके अकॉर्डिंग अपना बर्थ डेट अगर आता है, तो क्या ये पास्ट ऑफ कर्मा ही अपना ये डिसाइड करता है कि अपने को कौन से रिलेशनशिप में बनना है और क्या करना है? मैम वो तो और फिर ना अब जैसे आपके जो आपका डेट और जो आपका स्पेस, जो ये चीजें मिली आपको, फिर वहां से वो ड्राइव होने लगता है कि अब आप किसके साथ जाएंगे, किसके साथ आपका मैच है, मैच नहीं है, वो सारी चीज, वो ओके नेक्स्ट स्टेप की बात हो गई। ड्यूटी टेस्ट, जैसे कि अपन बॉर्न करते हैं, अपने जो पेरेंट्स होते हैं, तो जैसे कर्मा के अकॉर्डिंग आपने कहा कि बॉर्न अपने को कहाँ बॉर्न होना है, कौन सी स्पीड में होना, वो तो समझ में आ गया। पर कई जगह ये देखने को मिलता है कि जैसे मेरा एग्जांपल कि मैं चाइल्ड हूँ और मेरे अपने पेरेंट्स से ही नहीं बन रही है, इश्यू हो रहे हैं और हो रहे हैं, क्या वो भी मेरा पास का कर्मा ही होगा? नहीं देखिए, वो वही कह रहा हूँ कि ये जितने भी प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हैं ना,
अब ये प्रॉब्लम हाँ नेक्स्ट स्टेप की बात है। अभी अच्छा हम ओके सिर्फ यहां तक पहुंचे हैं कि हमें ये चीज मिली तो क्यों मिली, ठीक है। अभी आपके उनसे इश्यूज हो रहे हैं, उनसे इश्यूज हो रहे हैं, बिकॉज अब आपको जो डेट मिल गई है, जिस डेट पे आप पैदा हुए हैं, जो आपका चार्ट बना है, उसके हिसाब से अब आपका लाइफ गवर्न हो रहा है, ठीक है। कैसे बदलेगा? तो हम अपने घर का वास्तु बदलें, हम अपने घर का एस्ट्रोलॉजी बदलें, अपना न्यूमरोलॉजी बदलें। जब इस तरीके से करेंगे तो फिर वो चीजें बदलनी, वो नेक्स्ट लेवल की बात होगी। अभी सिर्फ इतनी बात हुई है कि भाई एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी ये चीजें करनी ही क्यों है हमें, इसका पर्सपेक्टिव क्या है ना। एक क्वेश्चन छोटा सा और था। वो आपने जो चार्ट में एक्सप्लेन किया था ना, उसमें पास इंडी बॉर्न करेक्शन करना है ना, फिर से बोलिए। वो आपने जो चार्ट एक्सप्लेन किया था ना, सर 1 मिनट 1 मिनट, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी ना सर, हाँ, ये बात उसमें पास बॉर्न है ना, ये एक बार रिपीट कर देंगे सर, पास्ट लाइफ कर्मा पास्ट। डिसाइड्स द सोल विल बॉर्न इन विच स्पेस, ठीक है। नहीं ये फर्स्ट वाली नहीं सर, पास्ट जहाँ पे क्लियर आ रहा है वो पास्ट है ना सर, प्रायर प्रायर टू यू आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, ये वैसे लिखा, प्रायर पी आर अच्छा आई ओ आर, मतलब आप ओके अगर ओके इस धरती पे पैदा नहीं हुए उसके पहले क्या था, उसकी बात, ओके ठीक है। ओके थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। कविता मैम, जय श्री कृष्ण सर। जय सर श्री कृष्ण आपने मैम। ये बोला 50% दिमाग बैठा, 50% नहीं बैठा है सर, बट उसमें से कुछ चीजें ऐसे निकाली मैंने कि मुझे बताओ आज के तारीख में सिजरीन करना पसंद करते हैं जो भी है, बट सिजरीन भी करते तो डेट डिसाइड करके करते, तो फिर उसको क्या बोलेंगे हम? मैम देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हम डिसाइड कर रहे हैं, है ना। मतलब ये होता है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, सर आप डेट बता दीजिए, ठीक है, और हम लोग डेट बताते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है हम लोग कर रहे हैं? भगवान ही कर रहे हैं ना, जैसे फॉर वो उस एग्जाम्पल बोलती बच्चे। मेरे घर में डिलीवरी होने वाली है, तो ये थॉट है आया है, लेकिन मैंने मना कर दिया कि जो डेस्टिनी बच्चे की होगी वही डेट होगी, नहीं क्योंकि देखिए कैसा है, समझिएगा इस चीज को, आप बिल्कुल उसको डिसाइड करिए। क्यों? क्योंकि अगर उस बच्चे के भाग्य में होगा तो आपके पास क्यों आए हैं? वो आपके पास आए ही इसीलिए हैं, आप सिर्फ कारक हैं, आप सिर्फ करने वाले, आप डिसाइड थोड़ी कर रहे हैं। ओके आप पर्सपेक्टिव को समझिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ कारक हैं, मतलब करने वाला तो भगवान है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ माध्यम हैं। तो अगर उस बच्चे के भाग्य में अच्छा डेट लिखा होगा तो हाँ आपके गाइडेंस से उसको वो मिल जाएगा। अगर उस ओके ओके, बच्चे के भाग्य में नहीं लिखा होगा, आप कितना भी जोर लगा लीजिए उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा हम डिसाइड करके कर सकते आप हैं उसको मतलब, बिल्कुल गाइड करिए, आपका ओके आपका कर्म, आपका धर्म वही है, एज अ कंसल्टेंट आपका धर्म है कि आप उसको गाइड करिए कि क्या बेस्ट हो सकता है। अब उसके भाग्य में, उसके भाग्य में वो है या नहीं है, वो आपके हाथ में है। ओके। और सेकंड क्वेश्चन ये था मेरे को कि जैसे बेबी कंसीव होने के बाद में काफी लोग उसको अबॉर्ट करवाते, तो फिर उस केस को हम क्या बोल सकते हैं वैसे सिचुएशन को? अल्टीमेटली उसका पास्ट कर्मा वही था सोल का, कि उसको नहीं आना ओके था। हाँ, ओके उसका पास्ट कर्मा वैसा ही था, उस घर का जो स्पेस है, उस स्पेस का एनर्जी वैसा था कि उसको नहीं आना है इस दुनिया में, ओके। काफी है ना। काफी जगह पे कैसे होता है, काफी लोगों का, जैसे मिस हाँ कैरेजेस हो जाते हैं, हमारा अगर करेक्ट हमने मान लीजिए करेक्ट अबॉर्ट नहीं भी करेक्ट कराया, मिस कैरेजेस हो गए, ठीक है, तो करेक्ट अल्टीमेटली वो स्पेस की एनर्जी वैसी है कि वो किसी नए सोल को आने ही नहीं दे रही है। हाँ। कभी कभी क्या होता है सर कि 9 मंथ होने के बाद में भी बेबी अंदर के अंदर डेथ हो जाती है, तो उसके हाँ, पीछे भी वही कोई रीजन रहता है? ओके रीजन है मैम, वो उस सोल का कर्मा है कि वो इस धरती पे नहीं आया, इस दुनिया में नहीं आया, या उस स्पेस का, उस स्पेस की एनर्जी है कि वो, जैसे बच्चा पैदा हुआ उसका पैर टेढ़ा हो गया, ठीक है। अभी बच्चा जब पैदा हुआ उसका पैर टेढ़ा हुआ, तो दो ही चीज डिफाइन कर रहे हैं ना उस चीज को, जो उसका पास्ट लाइफ कर्मा है और जिस स्पेस में वो पैदा हुआ। अगर उस स्पेस में वो प्रॉब्लम है तो वो उसकी डेस्टिनी वैसा लिखेगा कि भाई उसका पैर टेढ़ा ही हो, लेकिन उस ओके पास्ट सोल को वो टेढ़ा पैर क्यों मिला? क्योंकि वो उसका पास्ट लाइफ कर्मा था, लाइफ जिसकी कर्मा वजह से है, उसको वो स्ट्रगल मिल रहा है लाइफ।
मतलब स्पेशल चाइल्ड भी आता है तो इस पास्ट कर्मा ही रहता है इस जो मैंने पूरा। आपको देखिए, आप लोग शायद अभी इस चीज को उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे जो मैंने शेयर किया है। जब मैं इस चीज को चलो, समझ मेरा पाया, 50% कंसेप्ट क्लियर और नहीं मैं 50% नहीं हुआ है। सबके लिए बोल रहा हूँ ये चीज, जब मैंने इस चीज को फाइंड आउट किया था, रात के 2 बज रहे थे और हाँ सुबह तक मैं सो नहीं पाया, ठीक है। हाँ तो हाँ कहने का मतलब है कि ये पर्सपेक्टिव जो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पर्सपेक्टिव किसी बुक में नहीं लिखा है, ये ओके पर्सपेक्टिव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये धीरे 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 होता है ना विज्ञानमय कोश में जाके ये पर्सपेक्टिव आया हुआ है। राइट 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 और राइट मे बी शायद जैसे आपने कहा कि अभी पूरा समझ में नहीं आया, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार दो बार देख के इसको जरूर आत्मसात करिए। अगर बिल्कुल आप बिल्कुल ऑकल्ट के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप बेस्ट कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो ये नींव है। अगर बिल्डिंग की नींव स्ट्रांग नहीं होगी, फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगा, तो उस पे फिर वो बहुत स्ट्रांग बिल्डिंग नहीं बनेगी, फिर वो रेमेडी वाली बिल्डिंग ही बन पाएगी कि बस यहाँ रेमेडी कर लो, वहां रेमेडी कर लो, लेकिन उसके पीछे का जो एसेंस है, वो एसेंस फिर आप नहीं मतलब वो कर पाएंगे, ठीक ओके है। मतलब बेस प्रॉपर फाउंडेशन तुम्हारा ये है, फाउंडेशन है, इसलिए मैंने आज कल ये मैसेज किया था कि फाउंडेशन जितने है। लोग, हाँ हाँ ये फाउंडेशन है, यहां से अब आपकी थॉट प्रोसेस की, हाँ मुझे अपनी स्क्रिप्ट को रीराइट करना है, मुझे अपने मैग्नेटिज्म को बढ़ाना है, ये दो ही चीज करनी है। अगर कोई मेरे पास आता है तो ओके उसको भी मुझे यही कराना है, ठीक है। मुझे अपनी लाइफ बदलनी है तो मुझे यही दो चीज करनी है। ओके अब रेमेडी नहीं, मैं डे टू डे लाइफ में भी, जैसे मैं जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, मैं आप लोग को डीप बेली ब्रीदिंग करना सिखाऊंगा। क्यों कहता हूं करने के लिए, ताकि आपका ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्ट्रांगली फ्लो करे, ताकि आप अपने यस कर्मा को बर्न करें, ताकि आप लक फैक्टर आपका बढ़े। तो दिस इज ऑल कनेक्टेड, उसके इम्पोर्टेंस को आप सब लोग समझिए। यस इस माइंडसेट से बाहर निकलिए जहां पे बस रेमेडी कर लिया, रेमेडी पीछे का जो भी पढ़ के आए हैं सब छोड़ दीजिए, वो जीरो आपके से पास सर, जो आज भी मैं है, बैठी हूँ जीरो से बैठी हूँ मैं, मुझे हाँ एकदम जीरो से सिर्फ बैठना है, जीरो से स्टार्ट करना है तो ही बिल्कुल मैं जीरो से कुछ स्टार्ट। ले अगर पाऊंगी। बिल्कुल, यस यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू करता इट्स मैम, अ टू, थैंक यू। या थैंक हाँ सर, नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्कार सर। सर मैं नमस्ते नमस्ते। फंक्शन छोड़ के आज बैठा हूँ क्लास में सर। सर आपने जो थ्योरी ऑफ द सिंक्रोनिसिटी सिटीज जो है ना, इतना बेहतरीन सिखाया है, बताया है कि इतने कितने तो वाओ मोमेंट्स आ गए सर। मैं कार में ही सुन रहा यस था, क्लास ले रहा था, अरे मैं सरप्राइज हो गया सर। कुछ कुछ बातें हैं ना यस आपने, यू कैन चेंज योर डीएनए विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेटिज्म, यस या तो एनर्जी यस विद योर मेडिटेशन, विद द वास्तु, विद द न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से हम लोग अपना डीएनए चेंज कर सकते हैं सर। डीएनए चेंज कर सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट यस है, सर, बहुत एकदम अच्छा, डीएनए चेंज हो गया ना, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल सर। एवरीथिंग विल चेंज, एग्जैक्टली। या रियली रियली सर, मैं पता नहीं आप मुझे कितने बार सलाम करने बुक कहोगे सर, लिटरली अगेन आई एम सैल्यूटिंग यू सर। बहुत से मैं कार में सुन रहा था, इतने मुझे अच्छा लग रहा था कि अरे मेरे जबान से निकल रहा था, वाह निकल रहा था सर। रियली आप सलाम के काबिल हैं सर, यू थैंक यू सर, वेरी थैंक मच सर। यू सो मच। समझिए इसके इम्पोर्टेंस को, समझिए रेमेडी, ये वो हर चीज, जिस चीज की आपको जरूरत है वो सब चीजें आने वाली है। समय आएगा, वो आएगा, उसको आप अरे सीख जाएंगे, ठीक क्या है, उसके बारे में मत परेशान होइए। मैंने कहा जहां पे जो पढ़ाया जा रहा है, बस उसको इंटरलाइज करिए, उसको सीखिए। यस हो जाएगा। गुड इवनिंग मैम, नमस्ते। सर, सर आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, पहले मैंने नहीं पढ़ा था और शायद हमारे लिए नया भी है ये। हाँ ये नया है, यस, ये आज पहली बार पब्लिक डोमेन में, आज ये पहली बार शेयर हो रहा है, इसके पहले तो आज तक शेयर नहीं हुआ है। हाँ आपकी सारी क्लासेस में क्योंकि मैंने लिए हैं तो उसमें किसका ही नहीं था ये टॉपिक। यस और यस सर एक एग्जांपल देके मैं एक बात को क्लियर करना चाह रही हूँ, मतलब समझना भी चाह रही हूँ इस बात को, कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में उसके जन्म में कान में लिखा होता हुआ जन्म पत्री में कि उसकी पहली संतान जो है बेटा होगी, ठीक ओके है, लेकिन उसको दो बेटियां हैं क्योंकि तो उनके कुटुंब में पहला बेटा जो होता था वो नहीं रह पाता था, जीवित नहीं रह पाता था। तो उस केस में क्योंकि उसने प्रेयर करी हर बार, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो केस स्टडी आई थी तो उसने प्रेयर करी हर बार कि मेरे को मतलब जो भी देगा वो भगवान मुझे जीवित देना,
कहीं ना कहीं वो उसका एस्ट्रोलॉजी का चार्ट चेंज हो गया। फिर से क्वेश्चन रिपीट करें, क्योंकि आपकी आवाज जो है बहुत क्लियर नहीं आ रही है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए ताकि मैं समझ पाऊँ उसको। सर उनके एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में एक्चुअली जैसे होता है किसके ना कि एस्ट्रोलॉजी चार्ट चार्ट में में, मतलब जो माँ बाप है उनके हाँ जो माँ बाप के ओके ठीक है। उनके में था पहला संतान मतलब एक पुत्र दो पुत्री थी। ठीक है अभी क्योंकि मेरे पास केस स्टडी में आया था इसलिए ठीक तो है ठीक है मैंने उनको देखा कि उनको जबकि वो बताते थे कि हमारे यहाँ पहला बेटा जो है कुटुंब में जीवित ही नहीं रहा उनके घर में ठीक है। हाँ हाँ तो उस वजह से लेकिन उन्होंने हमेशा प्रेयर यही करी क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं डर था कि मतलब मेरे को होगा जो भी बेटा होगा तो वो मेरे को जीवित नहीं मिलेगा। तो उसने जो है मैनिफेस्ट किया जैसे कहते हैं तो उसकी वजह से उसको पुत्री हुई लेकिन वो जीवित है। तो ये ये कहीं मैं समझ गया। हाँ फिर क्वेश्चन क्या है इसमें? सर क्वेश्चन ये है कि जैसे हम मैनिफेस्ट किया तो उस वजह से एस्ट्रोलॉजी चार्ट भी चेंज हो गया। देखिए मैनिफेस्टेशन से फर्क तो पड़ेगा है ना, मतलब अगर हम किसी चीज को उस लेवल पे जाके अगर वो ट्रू मैनिफेस्टेशन होता है उससे फर्क पड़ेगा। अगर कुछ भी मतलब जो मेरे घर का वास्तु है वो सबसे ज्यादा न्यू बॉर्न पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। वो जो स्पेस है उस स्पेस की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो अगर हमें जब नया बच्चा जब बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, न्यू बॉर्न जब हो रहा है, तो माता पिता के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से उसके कुछ गुणधर्म बनेंगे बिगड़ेंगे वो अपनी जगह पे आते हैं, बट अगर हम उस डायरेक्शन में जाएंगे तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मतलब फिर जो ये पर्सपेक्टिव है ना, इस पर्सपेक्टिव को समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। उधर ना जाके सिर्फ इतना हम समझे कि जब ये सोल पैदा होने वाला था तो इसका पास्ट लाइफ कर्मा क्या था, क्योंकि अल्टीमेटली सारा डिराइव यहीं से हो रहा है। उसको जो ये माँ बाप मिले, जो उन माँ बाप के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट थे, उन्होंने भी गवर्न किया उस चीज, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जो इसका चार्ट बना, इसका जो चार्ट बना वो उस स्पेस की वजह से, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि वो कॉन्ट्राडिक्शन, मैंने बताया कॉन्ट्राडिक्शन, मैंने ये चीज कहा आपसे कि अगर कोई अच्छे रिचुअल्स कर रहा है, कुछ इस तरीके की चीजें कर रहा है जैसे उसका मैग्नेटिज्म हायर है, तो फिर वो स्पेस भी उसको इम्पैक्ट नहीं करता, उसको कुछ ऐसा मिल जाता है जो उसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो हो सकता है कि उन्होंने अगर वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस की, मे बी उन्होंने कुछ रेमेडीज कर रखी हो, कुछ उस तरीके की चीजें, तो वो सारी चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन एक अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें कि कैसे चीजें पॉइंट ए टू पॉइंट बी आ रही हैं, तो वो इसी इसी फॉर्म में, इसी जर्नी से आ रही ओके थैंक यू सर। है। ठीक ठीक है सर थैंक यू सर। है, थैंक यू तनुजा मैम। यस सर थैंक यू सो मच सर दोबारा चांस देने के लिए। एक्चुअली मे नहीं बी मैं चांस, थोड़ा सा पहली बात तो ये कि चांस की कोई बात नहीं है, आप क्लास में हैं, ठीक है, और क्लास में आप 50 बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल मतलब निश्चिंत रहें। चलिए बताइए। जी सर थैंक यू सो मच सर। ये मेरा क्वेश्चन बार बार माइंड में आ रहा था कि जो हमारी बर्थ है वो तो हमारे कर्मास और डेस्ट से डेस्टाइन हो रहा है। सेम सेम चीज क्या हम जब एक बेबी पैदा हो रहा है तो वो अपना सारा पूरी लाइफ का डिसाइड करके आ रहा है एज इट इज। तो जो हमारे पेयर्स आगे जाके बनते हैं जो स्पाउसेस हैं या जिनके साथ हम अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्योंकि आजकल जैसे ट्रेंड में कि पहले तो सिर्फ रिलीजन टू रिलीजन कास्ट टू कास्ट ये सारी चीजें ही बाउंड थी तो चलता था। अभी वो चीज नहीं हो रहा है और बाहर जैसे लोग अपने से ये करे तो क्या वो चीज भी हम उसको डिसाइड करके ही वो है कि वो वहां पे बर्थ होगा लेके आ रहा है या फिर हम मतलब जैसे रहता है इसमें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं फिर कि फैमिलीज में इश्यूज आते हैं या कई सारे केसेस इस तरीके के होने लगते हैं तो वो सारी चीजें किस तरीके से अफेक्ट करती देखिए है। ये नेक्स्ट स्टेप है, अभी इसके पहले भी मैम ने क्वेश्चन पूछा था, ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। अभी मतलब नेक्स्ट स्टेप का मतलब अब वो बच्चा पैदा हो गया, अब उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट या उसका डेट ऑफ बर्थ कैसा है, ठीक है, वो किसी से अगर मैरिज कर रहा है या कर रही है,
तो उनका कॉम्बिनेशन, अब यहाँ रिलीजन का मतलब नहीं है, बट अल्टीमेटली एनर्जी लेवल पे दो लोग अगर पैदा होते हैं तो वो किसी भी धर्म में पैदा हो, जब वो किसी जिस धर्म में वो पैदा होते हैं उनकी वैसी मान्यता, उनका वैसे बिलीफ वो बनता है। लेकिन अगर हम एक बड़े पिक्चर पे देखें तो दो मनुष्य हैं, दोनों मनुष्य जब पैदा हुए उनका अपना, अगर मैं जो मुझे आता है या जिस थ्योरी को मैं फॉलो करता हूँ, जब मैं उससे उनको बिठाऊंगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जो भी हो, अल्टीमेटली वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो मुसलमान होंगे उनका कहना है कि रिबर्थ नहीं होता है, ठीक है, तो अब वो उसको उस तरीके से उनके अपने कंसेप्ट होंगे जिससे उसको वो फिट करने की कोशिश करेंगे। बट ये नेक्स्ट स्टेप है, जो हम लोग अभी जिस चीज की बात कर रहे हैं बिल्कुल बिगनिंग की बात कर रहे हैं, कि अभी आप पैदा भी नहीं हुए, जब आप पैदा नहीं हुए तब क्या था, और जस्ट आप बॉर्न हो गए तब क्या हुआ, अब यहां से क्या हुआ, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वास्तु, अब ये अस्तित्व में आ गया, क्यों, आपकी एग्जिस्टेंस हुई, अब आपको इन चीजों की जरूरत पड़ी। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अब इन चीजों को यूज करके अब हम पास्ट लाइफ कर्मा की बात नहीं करेंगे, है ना, अब हम किसकी बात करेंगे, अब तो जो कर्मा था वो था, अब तो जो मुझे मिलना था वो मिल गया, अब जो मैं हूं, जो मुझे मिल गया, अब उसको मैं कैसे सही करूं, तो उसके लिए फिर मैं न्यूमरोलॉजी का सहारा लूंगा, मैं एस्ट्रोलॉजी का सहारा लूंगा, वास्तु का सहारा लूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ताकि मैं किसी ऐसे मेरा मैच ना हो जाए जिससे मेरा जीवन खराब हो जाए, मेरे जीवन में वो जो दिक्कतें हैं परेशानियां हैं वो ना आए, फेलियर्स ना आए। तो अब वो नेक्स्ट लेवल की चीज जिसको फिर हम लोग इंडिविजुअल तरीके से आगे बढ़ेंगे। मतलब हम उसे चेंज कर सकते हैं अगर वो ऐसा है पहले कि कहीं और हो, या फिर हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें कोई इश्यू कर्मा को आप नहीं है, कह रहे हैं, सोल सोल कर्मा, जर्नी के हिसाब से। हाँ, अगर हम कोई देखिए पेयर कर्मा हमको को आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है, आप सिर्फ इतना, आपको जो ये चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ क्यों मिलता है, आपको चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ इसलिए मिलता है ताकि इस जीवन में वो दिक्कतें वो परेशानियां आए, ताकि आपका जो वो कर्मा है, ठीक है, जो नेगेटिव कर्मा है इस जन्म में, वो जो दिक्कतें परेशानियां, उससे उसको आप कट कर सके, बर्न कर सके, बैलेंस कर सके। क्यों, जब आपको अच्छा डेट ऑफ बर्थ मिलता है, अब आपके लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें हो रही, आप एरोगेंट हो, आपके अंदर वो ईगो, इंसान के अंदर, मनुष्य जो है एक ऐसी प्रजाति है कि ईगो तुरंत आ जाता है, अगर अभी 1 महीने तक चीजें सही चलने लगे तो मैं ही भगवान हूँ, वो वाली चीज जो है अपने अंदर आनी शुरू हो जाती है। जब आपका लक फैक्टर अच्छा होता है तो आप जो कर्मा करते हैं उसमें बहुत सारा ईगो होता है, बहुत सारा अहम मैं होता है, और वो जो है फिर वो नेगेटिव कर्मा एक्यूमुलेट करता है। लेकिन जब आपको खराब डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको, अगर आप 8 तारीख को पैदा हो गए, अब वो चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ, अब वो ऑब्स्टिकल्स दिक्कतें लेके आएगा, ताकि जो पिछला एक्यूमुलेशन है उसका सारा हिसाब किताब भरा हुआ, ठीक है, फिर अब जब अगले में आप जाएंगे, अब आपने हिसाब किताब लगभग लगभग बराबर कर दिया, तो अगले में जब आप जाएंगे तो उसको फिर आप सही करते हुए जाएंगे। समझ पा रहे मतलब हैं वो आप इसको? सही। जी सर, समझ रही हूँ। मतलब मैं मेरे को एक ही चीज का थोड़ा ये है कि जो जो हम अपने लाइफ पार्टनर को हम चूज कर रहे हैं, हम ये सोच मैं रहे हैं कि लाइफ हम पार्टनर नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, अभी हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो बहुत बेसिक है, अभी आप नहीं थे और आप इस धरती पे आए, बस इतने की बात हुई है, लाइफ पार्टनर इज नेक्स्ट स्टेप, फिर जिसके लिए हम बाकी की चीजों को यूज करेंगे, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उसको चूज करना है, क्या सही रहेगा, कैसे वो मैच परफेक्ट होगा, मतलब या वो अगर हम ही मैच चूज परफेक्ट करेंगे, नहीं, वो डेस्टाइंड नहीं होगा कि जैसे बोलते हैं कि वो पहले से ऊपर से ऐसा है डिसाइडेड कि ऐसा मिलेगा होगा, नहीं वो नहीं नहीं वो है। डेस्टिन हो सकता है, सी हाँ, वो ही अल्टीमेटली वो चीज़ मैं डेस्टिन, वो डेस्टिन है, लेकिन वो अच्छा है वो खराब है वो भी डेस्टिन है, लेकिन उस रास्ते पे जाएंगे कैसे उसको चूज करेंगे उसके लिए हम इन चीजों का सहारा लेके आगे बढ़ेंगे तो हम आगे। उसको कर सकते अभी हैं। सबसे मैं कहना क्लियर। चाहूंगा कि अभी हम लोग सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि आप नहीं थे तो क्या था, फिर आप आए तो आप क्या लेके आए और किसकी वजह से आप क्या लेके आए, मतलब अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जितने भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इनकी जरूरत क्यों है,
ठीक है, घर बनाना है अगर हमें, तो बिना फाउंडेशन के अगर मैं वॉल बनाना शुरू कर दूं तो वॉल गिर जाएगा ना, है ना, उसके ऊपर छत नहीं आ पाएगी। अभी हम लोग सिर्फ फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, एक बार वो फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी, मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चीज के इम्पोर्टेंस को समझिए, जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, मैं बार बार कहूंगा कि इसके इम्पोर्टेंस को समझिए और इसको आत्मसात करिए, इसको इंटरनलाइज करिए। महीनों लग गए इस छोटे से चीज को बनाने के लिए, महीनों महीनों सालों लग जाते हैं, तब इसलिए जाके ऐसी छोटी छोटी चीजें बन पाती हैं, हाँ ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलिए फिर वी विल एंड द सेशन, आज हम लोग यहीं पे अपना सेशन एंड करेंगे, और जब अगले सेशन में मिलेंगे तो अगले सेशन में हम लोग न्यूमरोलॉजी से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप कहीं से पढ़ के आए हैं, आपको आता है, आपको नहीं आता है, डजंट मैटर, मैं जब शुरू करता हूँ, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं यही मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, और अगर आप उस थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे, आप बहुत कुछ लेके जाएंगे, और ऐसा लेके जाएंगे कि आपको सॉल्यूशन देने में दिक्कत नहीं। ठीक है, सो लेट्स वी विल एंड द सेशन, ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को सबको मिलेगी, ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो पुरुषोत्तम जी ने ऑलरेडी लिंक शेयर किया हुआ है, ऐप डाउनलोड करिए, क्लास का एक्सेस जो है आप वो कर लीजिए, वो अप्रूव हो जाएगा। वहां पे पहला जो एक सेशन और हो गया उसकी रिकॉर्डिंग डाली गई है, वो आप एक्सेस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो सारी चीजें वहीं पे, आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएंगी उनके PDF, ये सारी चीजें भी आपको वहीं पे मिलेंगी। ठीक है, तो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। आज का जो सेशन है ये आपको YouTube पे मिलेगा, इसका लिंक आप लोगों के ग्रुप में आ जाएगा, इसको प्लीज समय है देखिएगा। कल हम लोग मिलेंगे, कल वापस से 5 बजे जब मिलेंगे तो कल से न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होगी। अब जब हम लोग न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो पूरा का पूरा फोकस उस पर रहेगा, वास्तु ये वो सब कुछ छोड़ देंगे फॉर द टाइम। ठीक है, कल मिलते हैं 5 बजे, और फिर कल शुरू करते हैं, और थोड़ा खुश रहिए, मुस्कुराइए, कैमरे ऑन रखिए, ठीक है, ऐसे दुखी होके मन खराब करके नहीं बैठना है, खुश रहेंगे तो अच्छा लगेगा, फिर अच्छे से क्लास चलेगी, है ना। और कैमरे अगर ऑन कर सकते तो कैमरे ऑन करिए ताकि एक दूसरे को देखा जाए। कल से हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन सेशन भी रखेंगे, मे बी हर क्लास में 10-15 लोग अपना हैंड रेस करें, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, तो इस तरीके से धीरे 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 करके एक दूसरे को सब लोग जान जाएंगे, बिकॉज अब 100 लोग, 100+ लोग हैं क्लास में, तो अब सब लोगों के साथ अगर इंट्रोडक्शन एक ही सेशन में होगा तो 3-4 घंटे की क्लास वहीं चल जाएगी, तो फिर क्लासेस नहीं हो पाएंगी, तो 10-15 लोगों से इंट्रोडक्शन रखा जाएगा, बात किया जाएगा, फिर क्लास की जाएगी इस तरीके से। और अगर कोई नहीं भी देना चाहता इंट्रोडक्शन तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आराम से रहिए, रिलैक्स रहिए। स्टार्ट हुआ है आज, श्री गणेश हुआ है लर्निंग की जर्नी का, आई प्रॉमिस यू, ये अगर आपने जितना एफर्ट मैं दे रहा हूँ अगर उतना एफर्ट आप देंगे तो ये लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होनी ही होनी है, उसको ट्रांसफॉर्म होने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज इट्स अ प्योर साइंस, और उसी डायरेक्शन में चीजें आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, कल मिलते हैं, फिर कल बात, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। जैसे कृष्णा, बोल जय जैसे श्री कृष्ण, कृष्ण, थैंक यू सो मच, राधे राधे, अरे राधे, थैंक यू सो मच, राधे राधे, थैंक यू। थैंक यू।